गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जीशान सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे ऐप PGMN ऐप के ऊपर। बच्चों हम यहां पर आज जो वन शॉट ले रहे हैं, वो वन शॉट में हम क्या ले रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो बिना किसी देर के जल्दी से शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम न्यूक्लियाई, इसमें तो पहले तो थ्योरी है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि एटम कैसे डिस्कवर हुआ है ना, और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बताई गई है कि डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया। उसके बाद कैसे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की, और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद उन्होंने एक मॉडल दिया थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिंग पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। थॉमसन के मॉडल के बाद किसका मॉडल आया, रदरफोर्ड का मॉडल आया। रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में भी हमने पढ़ा कि कैसे उन्होंने न्यूक्लियस को बोला सन है, न्यूक्लियस को सन बोला और इलेक्ट्रॉन्स को प्लैनेट्स की तरह गोल गोल घूमते हुए बताया। रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो कैसे आया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो मॉडल आया। वो एक्चुअली रदरफोर्ड ही थे जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बच्चों रदरफोर्ड का एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, पर फिर भी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पे अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया गया गोल्ड फॉइल के ऊपर, एक गोल्ड का फॉइल लिया। फॉइल समझते हो, फॉइल मतलब एक पतला सा लेयर गोल्ड फॉइल का लिया गया, और एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया गया। यहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया गया गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो क्या देखा गया, देखा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर पार चले गए, अनडिफ्लेक्टेड आर पार चले गए। बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल लेस देन 90 से डिफ्लेक्ट हुए, और भी थोड़े अल्फा पार्टिकल मोर देन 90 से डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत ही थोड़े अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री से बाउंस बैक हुए। तो इससे हमें यह पता चला कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। हमें पता चला कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, और द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन कॉल्ड एज न्यूक्लियस। एटम का ज्यादातर मास एक छोटे से रीजन में समाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। एटम का ज्यादातर मास एक छोटे से रीजन में समाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तरह से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, इस तरह से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी, क्या ड्रॉबैक्स थे, डिफिकल्टीज ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड जो है वो समझा नहीं पाए स्टेबिलिटी को। मेन ड्रॉबैक क्या था, मेन लिमिटेशन क्या था, कि रदरफोर्ड क्या नहीं समझा पाए, रदरफोर्ड जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए। इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम के न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मेन रीजन यही था रदरफोर्ड के फेल होने के पीछे। एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है इसको भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई जो एटम के अंदर से जो स्पेक्ट्रम निकलता है वो स्पेक्ट्रम ऐसा लाइन 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 जैसा क्यों होता, कंटिन्यूअस क्यों नहीं होता, इस बात को भी रदरफोर्ड समझा नहीं पाए। तो इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया, इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो फेल हो गया। अब हम यहां पर थोड़ा सा पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, अलग अलग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है बच्चों, कि ऐसे आपको लाइंस देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं, इस प्रकार की आपको ऐसे लाइंस देखने को मिलती हैं, है ना।
तो दो टाइप के एटॉमिक स्पेक्ट्रम होते हैं, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है जो आप यहां पर देख रहे हैं। तो कुछ साइंटिस्ट ने इसके बारे में स्टडी किया और यहां पर हमें एक फॉर्मूला दिया कि एटम के अंदर में से जब रेडिएशन एमिट होती है तो देखा गया कि हाइड्रोजन एटम तीन टाइप के रेडिएशन एमिट करता है। हाइड्रोजन एटम तीन टाइप के रेडिएशन एमिट करता है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड। हाइड्रोजन एटम तीन टाइप के रेडिएशन एमिट करता है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। ये तीन टाइप के रेडिएशन हाइड्रोजन एटम एमिट करता है। अलग अलग साइंटिस्ट ने ये रेडिएशंस के बारे में स्टडी किया, अलग अलग साइंटिस्ट ने इन रेडिएशंस के बारे में स्टडी किया और हमें एक फॉर्मूला दिया, वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू वन बाई एन स्क्वायर माइनस वन बाई एम स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें दिया गया, वेवलेंथ का फॉर्मूला। ठीक है, यहां पे आर जो है, आर को हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। आर को क्या बोलते हैं बच्चों? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 1.097 × 10⁻⁷ पर मीटर। ये वैल्यू होती है रिडबर्ग्स कांस्टेंट की। यहां पर जेड जो है, जेड हमारा है एटॉमिक नंबर। जेड हमारा क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और एन जो है वो फाइनल ऑर्बिट है, फाइनल ऑर्बिट। और एम जो है वो हमारा इनिशियल ऑर्बिट है, इनिशियल ऑर्बिट। ठीक है, और लैम्डा जो है वो है वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। इस फॉर्मूला में लैम्डा जो है, लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। ठीक है, अच्छा तो अब मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि जो रेडिएशंस एमिट होती हैं हाइड्रोजन के अंदर में से, तो पांच अलग अलग सीरीज दी गई हैं यहां पे। कौन सी अलग अलग सीरीज है वो देखते हैं। तो एक है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। एक है बाल्मर सीरीज, एक है पास्टन सीरीज, एक है ब्रैकेट सीरीज और एक है पी फंड या सिंपली फंड सीरीज। ये बच्चों पांच सीरीज हमको देखने को मिली। ये अलग अलग साइंटिस्ट के नाम है, देखो सीरीज। लाइमन सीरीज के लिए एन की वैल्यू क्या है? ठीक है सर, बुक में जेड नहीं दिया। माय डियर, दो पेज आगे पलटा के देखो, जेड दिया हुआ है ना? दो पेज आगे पलटा के देखो, जेड दिया हुआ है। मैं तुमको पेज नंबर बताता हूं कौन से पेज नंबर में है। दो पेज आगे पलटा के देखो, तुमको पेज 329 में देखो, पेज 329 में, पेज 329 में अगर देखोगे तो वहां जेड भी दिया हुआ है, वहां जेड भी दिया हुआ है ना? हाँ ठीक है चलेगा। तो अभी यहां पर देखो, यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एन इक्वल टू, तो भाई लाइमन सीरीज में जो एन है वो वन है, यहां जो n है वो 2 है, यहां जो n है वो 3 है, यहां जो n है वो 4 है, यहां जो n है वो 5 है। n मतलब फाइनल ऑर्बिट, फाइनल ऑर्बिट, और m मतलब इनिशियल ऑर्बिट, 2 3 4 एंड सो ऑन। यहां पे 3 4 5 एंड सो ऑन, 3 4 5 एंड सो ऑन। यहां पर 4 5 6 एंड सो ऑन। यहां पर
6 7 एंड सो ऑन, यहां पर 6 7 8 एंड सो ऑन, ठीक है। ये देख लो, कुछ इस प्रकार से यहां पर जो लाइट एमिट होती है ये है अल्ट्रावायलेट, यहां पर एमिट होती है विजिबल लाइट, यहां पर एमिट होती है इंफ्रारेड इंफ्रारेड इंफ्रारेड, ठीक है। तो ये सब क्या लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, क्या लिख रहा हूं आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, है ना। तो चलिए मैं आपको क्विकली एक बार बताता हूं कि यहां पर ये क्या हो रहा है। तो देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है बच्चों, जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है, देखो ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये क्या है भाई, हाइड्रोजन एटम है। अब हाइड्रोजन एटम के अंदर में, जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो वो कुछ रेडिएशंस एमिट करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करे, तो वहां पर वो अल्ट्रावायलेट रेज एमिट करता है, यहां पर वो अल्ट्रावायलेट रेज एमिट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करे, तो यहां पर वो विजिबल लाइट एमिट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप करे, तो यहां पे वो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जंप करे, तो यहां भी इंफ्रारेड, और किसी भी ऑर्बिट से फिफ्थ में जंप करे, तो यहां भी इंफ्रारेड रेडिएशन वो एमिट करता है। किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जब वो जंप करता है, तो इसको लाइमन सीरीज बोलते हैं। किसी भी ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है, तो उसको बाल्मर सीरीज बोलते हैं। किसी भी ऑर्बिट से जब थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो उसको पास्टन सीरीज बोलते हैं। और किसी भी ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट पे जंप करता है, तो उसको ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। और किसी भी ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में जंप करता है, तो उसको आखिरी वाला पी फंड सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसी को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। उम्मीद है कि यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बोर ने यहां पर हमको अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, बोर का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो अब हम बोर के मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर का मॉडल बता रहा हूं। तो यहां पे मैं हेडिंग दे देता हूं बच्चों, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये है पेज नंबर 327, बोर्स पॉस्टुलेट्स, तीन पॉस्टुलेट्स दिए थे बोर ने, तीन पॉस्टुलेट्स दिए थे। वो तीन पॉस्टुलेट्स कौन से थे, वो हम जरा यहां पर देखते हैं। तीन पॉस्टुलेट्स कौन से थे, वो हम जरा यहां पर देखते हैं। तो जो फर्स्ट पॉस्टुलेट था बोर का जो फर्स्ट पॉस्टुलेट था, उसमें बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गोल गोल घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, है ना। तो ये हमारा न्यूक्लियस है। अच्छा, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, प्लस जेड ई चार्ज होगा। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, जितने एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन्स, जितने एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन्स। तो यहां पर जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है, और ये इतना चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। और ये इसकी कुछ तो स्पीड होगी, इलेक्ट्रॉन की कुछ तो स्पीड होगी, इसका कुछ तो मास होगा, है ना, और इसका कुछ तो चार्ज होगा। तो ये किसी ना किसी रेडियस में ऐसा गोल गोल घूम रहा होगा। तो यहां पर बोर के फर्स्ट पॉस्टुलेट ने हमें क्या बताया कि जो भी सेंट्रिपिटल फोर्स है, इट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स यहां कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रिपिटल फोर्स। यस,
तो यहां पर सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एमवी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r² तो Q1 × Q2/r² उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी को एक स्टेप और लिख देता हूं, एमवी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर। देखो ये न्यूक्लियस का चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × r² ये है बोर का फर्स्ट पॉस्टुलेट, दिस इज द फर्स्ट पॉस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और अब हम आ रहे हैं बोर के सेकंड पॉस्टुलेट पे। तो बोर का सेकंड पॉस्टुलेट हमें ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है ना, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम, जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2π का, है ना। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में ही घूम सकता है जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2π का। ठीक है, तो यहां पर l क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। l हमारा क्या है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। एच क्या है, एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई और ये सब तो कांस्टेंट है। एन एन हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी ऑर्बिट के बारे में बताता है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए N1 हो जाएगा, सेकंड ऑर्बिट के लिए N2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट पॉस्टुलेट रिपीट। फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या कहता है कि सेंट्रिपिटल फोर्स ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बस इतनी सी बात है। अब आ जाइए यहां पर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम एम वी आर भी बोल सकते हैं, एम वी आर इज इक्वल टू NH/2π। यहां पर बच्चों एन की जो वैल्यू है, हियर एन जो है वो 1, 2, 3 इनमें से कुछ भी हो सकता है, ऐसा इंटीजर होना चाहिए, डेसिमल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्बिट तो फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट इस तरह से होते हैं। तो एम वी आर इज इक्वल टू NH/2π, ये हो गया बोर का सेकंड पॉस्टुलेट। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। स्टेटमेंट आप खुद से बुक में से पढ़ लेना, मैं स्टेटमेंट यहां नहीं लिख रहा, स्टेटमेंट आप खुद से बुक में से पढ़ लेना। ठीक है, अब आ जाओ बोर के थर्ड पॉस्टुलेट के ऊपर। बोर का थर्ड पॉस्टुलेट हमें क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब भी जंप मारता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, जंप मारता है जब भी, ठीक है, तो यहां पे मैं आपको कुछ ऑर्बिट्स दिखा देता हूं। तो मान लो ये N=1 है ना, ये N=2 है, ये N=3 है। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से किसी भी ऑर्बिट में जब जंप मारता है, मान लो इलेक्ट्रॉन पहले यहां था और वहां से जंप करके इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो जब इलेक्ट्रॉन ने जंप मारा, जब वो नीचे गिरा तो वो क्या एमिट करेगा बच्चों, वो एनर्जी एमिट करेगा। ये एनर्जी एमिट करेगा किसके रूप में, एनर्जी एमिट करेगा फोटोन के रूप में, एनर्जी एमिट करेगा। और फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है, हमें पता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो फोटोन के रूप में एनर्जी एमिट करता है, तो सच दैट एनर्जी ऑफ द फोटॉन। अच्छा तो भाई ये जो हमारा ऑर्बिट है, इनिशियल ऑर्बिट, इसको EI बोल दो, और ये जो फाइनल ऑर्बिट है इसकी एनर्जी को EF बोल दो। तो EI-EF, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, जो दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस है वही हमारे फोटॉन की एनर्जी होगी। दोनों ऑर्बिट्स की जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वही हमारे फोटोन की एनर्जी होगी, E1-E2 या E initial-E final, हायर माइनस लोअर, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है वही हमारे फोटोन की एनर्जी होगी, वही हमारे फोटोन की। इलेक्ट्रॉन जंप क्यों करता है, देखो जो ऊपर गया है वो हमेशा तो ऊपर नहीं रहेगा, एक ना एक दिन तो लौट के आना पड़ता है ना। हाँ, एक ना एक दिन तो लौट के सबको आना ही पड़ता है ग्राउंड स्टेट के ऊपर,
है ना, क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट है, ऊपर वाली स्टेट एक्साइटेड स्टेट होती है, और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन हमेशा नहीं रहता, वो अपनी एनर्जी लूज करके उसको नीचे आना पड़ता है, ठीक है। तो तुम अगर जंप मारोगे तो तुमको वापस आना पड़ेगा, है ना, तो उस तरह की बात है। ऋतुजा, आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा, है ना। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन बहुत देर तक नहीं रह सकता, इसीलिए वो लौट के लोअर एनर्जी स्टेट पे आ जाता है, एनर्जी लूज करता है और लोअर एनर्जी स्टेट पे आ जाता है, ठीक है। तो एनर्जी गेन करेगा तो ऊपर जाएगा और एनर्जी लूज करेगा तो नीचे आएगा, एनर्जी गेन करेगा तो ऊपर जाएगा और एनर्जी लूज करेगा तो नीचे आएगा। तो उम्मीद है कि ये तीन पोस्टुलेट आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले डेरिवेशन की तरफ। अभी हम दो डेरिवेशन देखने वाले हैं, एक तो रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट और दूसरा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, ठीक है। तो आइए यहां पर बच्चों, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, ठीक है, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, तो ये लिमिटेशंस बताए हैं, ये तो आप पढ़ लेना, थियरी है छोटी सी। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट में अभी हम बात करेंगे। एक तो बोर का फर्स्ट पॉस्टुलेट है, फर्स्ट पॉस्टुलेट अभी अभी हमने देखा, एमवी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये बोर का फर्स्ट पॉस्टुलेट था। और उसके बाद हमने बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट देखा जो था MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट था, बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट था, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें निकालना है R, हमें R निकालना है, रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट निकालना है। पेज नंबर पूछ रहे हैं बच्चे, पेज नंबर बता दूं, देखो ये वन शॉट है, इसमें बार बार रिपीट नहीं होता है। अगर आपको ये देखना है डिटेल में, ये चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लो, डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ वन शॉट है, यहाँ बार बार रिपीट नहीं होगा। हाँ, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, रिपीट मत बोलो, कुछ डाउट है तो बोलो कि सर ये स्टेप कैसे लिखा, यहाँ माइनस क्यों आया, ऐसा कुछ डाउट है तो बोलो। रिपीट पूरा पूरा करने बोलोगे तो वो पॉसिबल नहीं है बच्चों, ये वन शॉट है, ठीक है। मैं पेज नंबर बताता हूं आपको, आप निकाल लो बच्चों, पेज नंबर 327, ये पेज नंबर है 327, ठीक है, पेज नंबर जो है वो है 327, पेज 327 में ये दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। अच्छा, तो चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखो, वी को यहां से भगाना पड़ेगा, यहां से वी को हटाना पड़ेगा, ये जो वी आपको दिख रहा है, इस वी को हमें यहां से हटाना पड़ेगा, तब जाके हमको रेडियस मिल पाएगा, ठीक है। सर न्यू वी लिखते हैं ना, न्यू किसको लिखते हैं भाई, न्यू किसको लिखते हैं, चलिए। तो उस वी को कैसे हटा सकते हैं, तो उस वी को हटाने के लिए हम पहले सेकंड इक्वेशन से वी निकाल के वहां पुट करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमें क्या बता रहा है, तो चलो मैं सेकंड इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाई करता हूं और मैं इसको लिखता हूं वी इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई MR, 2 पाई MR, ठीक है। और इसका अगर हम स्क्वायर करके वहां पुट कर दें, इसको स्क्वायरिंग करोगे ना, तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर m² × r², ये ऐसा आ जाएगा। ये आ गया हमारा v का स्क्वायर, ये कैसे निकाला मैंने, सेकेंड पॉस्टुलेट को ही मैंने आगे बढ़ाया और ये से लिख दिया है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। अब तुम बोल दो पुटिंग 3 इन 1, पुटिंग 3 इन 1, तो सेकेंड पॉस्टुलेट से मैंने v लिखा और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके इस तरह से लिख दिया है, 3 को 1 में पुट करते हैं, तो v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, वी स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा एम अपॉन आर इंटू वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर क्या आ गया, n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m² r², 4 पाई स्क्वायर m² r², ये ऐसा आ गया, इज इक्वल टू ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × r², 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × r². ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, इन एग्जाम दिस क्वेश्चन वॉज आस्क, यस ये पूछते हैं, डिराइव द रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बच्चों,
डिराइव द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा सुमित, क्या नहीं समझ रहा वो पूछो ना, कौन सा स्टेप नहीं समझ रहा वो पूछो ना। देखो, अगर तुम ऐसे बच्चे हो कि कुछ भी नहीं पढ़ा जीवन में आज तक और अचानक से आके बैठ गया, वन शॉट लेंगे भाई और सब समझ जाएगा, तो ऐसा नामुमकिन है। थोड़ा बहुत पहले से पढ़ के आना पड़ता है तभी समझ में आता है। ये वन शॉट है, ये नॉर्मल लेक्चर नहीं है। नॉर्मल लेक्चर मेरे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो देख लो भैया, है ना। ये वन शॉट में आपको एबीसीडी नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, आए हो कुएं के पास और मांग रहे हो शराब, ऐसा तो नहीं मिल पाएगा ना। कुएं के पास आके पानी मिलेगा, ठीक है। शराब चाहिए तो बार में जाना पड़ेगा। तो इस तरह की बात है, राइटिंग अच्छी निकालो, ठीक है। ओके ओके, निकालता निकाल, अच्छी निकालता रोहन, अच्छी निकालता, ठीक है। चले, तो अब यहां पर देखो, m by r n square h square 4 pi square m square r square z square 4 pi epsilon not r square। अब यहां पर देखो हम क्या कर सकते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये r square और ये r square क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये pi और ये pi कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, epsilon not, ठीक है, बस इतनी ही चीजें यहां पर कैंसिल हो रही हैं। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें R निकालना है। तो R यहां छुपा बैठा है, देखो। तो पहले मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, अच्छा एक M भी तो कट रहा है, M भी तो कट रहा है, ये देखो यहां पर एक M भी तो कटेगा, ये देखो, ये वाला M और ये वाला M भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या बचेगा, मैं उसके बाद की स्टेप लिखता हूं, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन आर इंटू, ये क्या है, पाई है, इंटू एम, है ना, इज इक्वल टू, इधर क्या बच रहा है बच्चों, जेड बच रहा है, ई स्क्वायर बच रहा है, और नीचे में क्या बच रहा है, नीचे में बच रहा है एप्सिलॉन नॉट। यस और नो, देख लो, इतना बचेगा, इतना बचेगा, ठीक है, चलेगा चलेगा। आ जाते हैं आगे, नहीं एक्चुअली थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं ना, ये वन शॉट है, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं इसलिए राइटिंग खराब हो जा रही है, वरना मेरी राइटिंग इतनी भी खराब नहीं है, पर थोड़ा अभी वन शॉट की वजह से, थोड़ा फास्ट लिखने की वजह से थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ा रही है, ठीक है, चलेगा। अब निकालना क्या है, निकालना है R, R निकालना है, तो R को उधर भेज दो, बाकी सबको इधर ले आते हैं। तो ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम, ऐसा लिख दो पहले तो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम, जेड और ई स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये जेड आ गया और कौन आ गया, ई स्क्वायर आ गया, और एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेके आ जाओ, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर लेके आ गया, और इस आर को उधर भेज दो, तो आर अकेला एक तरफ, बाकी दुनिया एक तरफ, है ना, आर अकेला एक तरफ, बाकी दुनिया एक तरफ। तो यहां से देखिए, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड, एच स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई स्क्वायर पाई एम, ई स्क्वायर पाई एम, ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, ये आ गया रेडियस का फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला आ गया बच्चों, रेडियस का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, बड़ा ही प्यारा फॉर्मूला है, ठीक है, बड़ा ही, वन शॉट में कवर नहीं होगा क्या, नहीं पहले आपको भैया थोड़ा बहुत तो रीड करके, कम से कम बुक तो रीड करके आओ ना, थोड़ा तो रीडिंग करके आओ ना, थोड़ा तो रीडिंग करो ना डियर, माई डियर सुमित, हाँ जी। तो एन स्क्वायर बाई जेड एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पाई एम, इस तरह से हमारा आर होता है, ठीक है, आर होता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब जी यहां पर हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे बच्चों। तो देखो, ये देखिए, ये दो चीजें दिख रही हैं आपको, एन स्क्वायर और जेड, ये दो चीजें आपको दिख रही होंगी। तो यहां पर बच्चों ये देखिए, मैं लिखूंगा, देखो ये पूरा का पूरा जो होता है ना, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है। इसकी एक फिक्स वैल्यू भी होती है, वो वैल्यू आपको बताता हूं, बुक में वो वैल्यू दी हुई है, अगर आप देखोगे तो वो वैल्यू है 0.053 नैनोमीटर, वो वैल्यू क्या है, 0.053 नैनोमीटर। तो ये R जो है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.053 नैनोमीटर।
तो ये कैसे आ गया भाई, ये जो वैल्यू है ये यहां से निकल के आई है, ये पूरी की पूरी चीज जो है जब तुम पुट करके सॉल्व करोगे तो ये इतना होता है। इसको रट्टा लगा लेना है, इसको रट्टा लगा के याद कर लेना है, 0.053 नैनोमीटर। ठीक है सर, बड़े चैप्टर भी आप लोगे? नहीं, सारे चैप्टर्स मैं नहीं लूंगा, कुछ चैप्टर्स मुकेश सर भी लेंगे। जैसे कि ऑसिलेशन सर पढ़ाने वाले, सैटरडे को, सैटरडे वाला लेक्चर जो है ना वो मुकेश सर लेंगे। सैटरडे को ऑसिलेशन होगा, सैटरडे को ऑसिलेशन होगा जो मुकेश सर लेंगे। ठीक है, हाँ जी, मैं अभी इसको कंटिन्यू करूंगा। अगर ये आज हो गया तो अच्छी बात है, अगर ये आज पूरा नहीं हो पाया तो आधा आज आधा कल इस तरह से होगा। ठीक है, चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, एन स्क्वायर बाई जेड 0.053 नैनोमीटर है ना, ये आपको याद रखना है, ये आर का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। अब अगर हम बात करें फॉर हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की अगर बात करें तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए N1 हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट है तो, और हाइड्रोजन एटम है तो एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो N भी 1, यानी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए N1 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है। तो N को भी 1 रख दो, Z को भी 1 रख दो। ठीक है, ओके, आई विल ट्राई। ठीक है, चलेगा। तो दोनों को भी 1 रख दो, दोनों को भी 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, R, इसको R बोल सकते हो, R1 भी बोल सकते हो। R1 मतलब बोर के हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, बोर के हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है, अच्छा ठीक है, ट्राई करता हूं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो असल में ये बहुत सारे इसमें डेरिवेशन हैं इस चैप्टर में, तो मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि आज निपटा दूं जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, ओके जी, तो बोर के हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो हमारा क्या हो, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये 1 1 1 सब गायब हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा 0.053 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब समझते हो ना, समझते हो नहीं समझते, नैनोमीटर का मतलब होता है 10^-9 मीटर, ये होता है भैया, है ना। इसको R0 बोला है ना, R0 अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल है, आपके स्टेट बोर्ड के बुक में A0 बोला है, आपके स्टेट बोर्ड के बुक में क्या बोला है उसको, A0 बोला है। ठीक है, मैंने R1 लिख दिया है पर आपके स्टेट बोर्ड के बुक में उसको A0 बोला है, A0 है ना, इसी को आपके स्टेट बोर्ड के बुक में A0 बोला है। पता नहीं A0 इतना अच्छा सिंबल नहीं है पर क्यों यूज किया मालूम नहीं, R1 ज्यादा अच्छा सिंबल है। तो यही है बोर के हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है, अरे वाह, ऑल द बेस्ट, जिन भी बच्चों का आज एग्जाम है उन सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। ओके, अच्छे से एग्जाम देना। ओके बच्चों, चलेगा। तो अभी टाइम टेबल के हिसाब से ये चैप्टर के बाद मैं सेमीकंडक्टर्स पढ़ाऊंगा, पहले ये चैप्टर होगा, इस चैप्टर के बाद सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स के बाद ऑसिलेशन। ठीक है, अभी फिलहाल अगले 2-3 चैप्टर्स ये आने वाले हैं। ठीक है, सर लेक्चर लैपटॉप पे कैसे चालू करें, ORG कोड बताओ सर। ओके सर, यही तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए तो इतना प्यार से बताया है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, A0 के बाजू में N0 क्या है, है ना, A0 के बाजू में N0 कहाँ है, कहाँ पर देख रहे तुम, N0 कहाँ लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है, N0 तो कहीं नहीं है, N0 कहीं नहीं है। ठीक है, हाँ देखो बच्चे हेल्प कर रहे, थैंक यू जयेश, थैंक यू। ऑर्गेनाइजेशन कोड देखो यहाँ पे दे दिया है, ऑर्गेनाइजेशन कोड ये डाल दो। ठीक है, चलेगा। तो ये समझा बच्चों रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, N स्क्वायर, ये N स्क्वायर जो है ना, ये N स्क्वायर ऑर्बिट बता रहे हैं, ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट के लिए N=1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए N=2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बोलते हैं उसको। ठीक है, चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ो फटाफट। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये तो भैया आंख बंद करके बहुत सिंपल सा है। ठीक है, देखो ये CET के लिए इंपॉर्टेंट है क्या सर, ऑफकोर्स CET के लिए तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है भैया, CET के लिए तो बुक में की हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए।
एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है ना, मैं पेज नंबर बता देता हूं, आ जाइए पेज नंबर 328, पेज नंबर 328। तो देखो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी को ऐसा लिखा है ई एन, एनर्जी इन द एंथ ऑर्बिट। तो टोटल एनर्जी क्या होती है मालूम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कर दोगे तो तुमको टोटल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। तो वो ऐसा होता है, ये हो गया के क्यू वन क्यू टू, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, है ना। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इन दोनों को जब तुम सॉल्व करोगे तो वो कुछ ऐसा आ जाता है -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, है ना, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला यहां से निकल के आ जाता है, इसको रट्टा लगा लो, ये किसी भी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको किधर मिलेगा, ऐप के ऊपर मिल जाएगा, है ना, ऐप के ऊपर मिल जाएगा। चलो यहां तक देख लो, यहां तक कोई प्रॉब्लम क्या, ये एनर्जी का फॉर्मूला है ना। एक मिनट, एक मिनट बच्चों, -13.6 कहां से है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताता हूं। ठीक, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, बताता हूं, बताता हूं, बताता हूं बेटा। तो कुछ बच्चे बहुत प्यारा प्यारा सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, मैं बताता हूं, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, मैं समझ गया। वैसे तो वन शॉट है, फिर भी मैं बताता हूं आपको। देखो एक बात को याद रखो कि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर होती है। के हमारा क्या होता है, 1/4πε0 होता है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में चार्ज को हमेशा साइन के साथ पुट करना होता है, ये रूल है। रूल कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में चार्ज को हमेशा साइन के साथ पुट करना होता है। इसीलिए मैंने न्यूक्लियस का साइन प्लस ZE लिया और इलेक्ट्रॉन का साइन माइनस ई लिया। ये न्यूक्लियस के लिए है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये न्यूक्लियस के लिए है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। साइन के साथ आपको लेना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते थे बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने क्या लिखा था, 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर फॉर्म में होता है ना, तो वेक्टर फॉर्म में अगर होगा तो आई जे के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जैसे इसको लिखा तुमने यहां पे आई कैप लिख दिया, तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है।
और मैग्नीट्यूड में हमको साइन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए फोर्स के फॉर्मूला में चार्ज का साइन नहीं लेना पड़ा, क्योंकि हम सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे थे। पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में आपको चार्ज का साइन भी लेना पड़ेगा, उससे हमको पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है मतलब सिस्टम एक बाउंड सिस्टम है, बंधा हुआ सिस्टम है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो मतलब सिस्टम बंधा हुआ सिस्टम नहीं है। अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम एक बंधा हुआ सिस्टम है, बंधे हुए है ना, दोनों अट्रैक्ट कर रहे एक दूसरे को, तो सिस्टम एक बंधा हुआ सिस्टम है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं यहाँ पे ईवी क्या है, तो ईवी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी का ही एक यूनिट होता है। हमको मालूम होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। ये रिलेशनशिप होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बहुत ही छोटा यूनिट है एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बहुत ही छोटा यूनिट है एनर्जी का। ठीक है सर, एग्जाम में ये है कि वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में पूरा कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम में तो जनरली, अब आपके बुक में तो यही शॉर्टकट मार दिया, बुक में तो इसके बाद सीधा ये लिख दिया है। ठीक है, बुक में इसके बाद सीधा ये लिख दिया है, तो बुक में तो कोई फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फिर भी अगर आपको फुल फॉर्म चाहिए तो मैं फुल फॉर्म दे सकता हूं, पर मुझे लगता नहीं है कि वो पूछेंगे। फिर भी कुछ बच्चे पूछ रहे कि -13.6 कहां से आया, तो वो भी आप देख सकते हो कैसे आया। मैं आपको थोड़ा सा उसका हिंट दे देता हूं। देखो, चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं कि -13.6 कहां से आया, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहां पे समझ लेते हैं। देखो समझाता हूं मैं, सब कुछ n के फॉर्म्स में लिख दो, सब कुछ n के फॉर्म में लिख दो। देखो मैं बताता हूं यहां, तभी मैं क्या कर सकता हूं। यहां पर देखो हाफ एम वी स्क्वायर दिख रहा है, तो यहां लिखो हाफ m, और ये जो v स्क्वायर दिख रहा है, v स्क्वायर की वैल्यू उठा लो। v स्क्वायर की वैल्यू कहां से उठाओगे, v को n के टर्म्स में लिखा था, v को n के टर्म्स, ये देखो v स्क्वायर दिख रहा है यहां पे, है ना। तो हमने स्पीड जो है, स्पीड जब हम निकालेंगे ना, देखो मैं यहां स्पीड नहीं निकाला है, चलो स्पीड निकालते हैं। ठीक है, देखो जब हम बात करेंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। ठीक है, तो जब हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। तो देखो यहां पर तो हमने r निकाला था, ये हमारा क्या था, r था, और यहां पे आपको स्पीड दिख रहा है, ये सेकंड पोस्टुलेट से हमने स्पीड क्या निकाला था, सेकंड पोस्टुलेट से हमने स्पीड लिखा था nh/2πmr, ये लिखा था। मैं इसको लिख रहा हूं, देखो v इक्वल टू nh/2πmr, ऐसा लिख सकता हूं, ये सेकंड पोस्टुलेट से लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये सेकंड पोस्टुलेट से लिख रहा हूं मैं, यहां देखो v इक्वल टू nh/2πmr, और यहां पर क्या करो, यहां पर nh/2πmr की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। r की वैल्यू क्या है, ये r की वैल्यू n स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलन नॉट, है ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलन नॉट, ये r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई एम, जेड ई स्क्वायर पाई एम, ये पलटी खा के ऊपर चला जाएगा, जेड ई स्क्वायर पाई एम, है ना। ये देखो इस तरह से ये पूरा का पूरा, ये मैंने स्मॉल r की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी है, यहां से हमको n मिल जाएगा, v मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ n, तो ये देखो n n कैंसिल हो जाएगा, और ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, m m कैंसिल हो जाएगा, h और h ये कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, तो बचेगा कुछ इस तरह से v इज इक्वल टू z अपॉन n, है ना। अब बाकी चीजें लिख दो, तो मैंने यहां पर z और n को अलग कर लिया, z और n को अलग कर लिया है, अब बचा क्या, e स्क्वायर, ऊपर बचा e स्क्वायर, नीचे क्या बचा, 2h एप्सिलन नॉट, नीचे ये बचता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा, ये आ गया है स्पीड का फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला आ गया, स्पीड का फॉर्मूला। अब इसका मैं अगर स्क्वायर करूंगा ना, तो इसका स्क्वायर करने से ऐसा आता है जेड स्क्वायर एन स्क्वायर और ऊपर e टू दी पावर 4 और नीचे 4h स्क्वायर एप्सिलन नॉट का स्क्वायर, ये आता है v स्क्वायर। ये v स्क्वायर उठा के कहां पुट करना है, ये v स्क्वायर उठा के यहां पुट करो, n के टर्म्स में आएगा, यहां भी r की वैल्यू n के टर्म्स में आएगी, इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करके जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट की वैल्यू होती है,
और फिर काइनेटिक एनर्जी के वी में डालना है। यस, काइनेटिक एनर्जी के वी में डालना है ना। और वी में डालने के बाद जब तुम सॉल्व करोगे तो वो कांस्टेंट निकल के आता है 13.6, है ना, तब जाके वो कांस्टेंट निकल के आएगा 13.6। ठीक है, यस। कल्पना क्या बोल रहे, प्लस माइनस 0p, क्या बोल रहे कल्पना? ठीक है, अब तुम उसको यहां पुट करना, यहां भी r की वैल्यू n के टर्म्स में पुट करना, फिर इसको सॉल्व करना, तो तुमको वहां पर मिल जाएगा वो 13.6। ठीक है, पर उसका लोड मत लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट ही है भाई, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं ना, है ना। चलिए, डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन क्या था। तो डी ब्रॉगली ने यह बताया, क्या बताया कि, कल्पना क्या पूछ रहे हैं यार, आपका सवाल ही समझ नहीं आ रहा है मुझे, बताओ ना कर रहे बस। फॉर्मूला में हमेशा नेगेटिव रहेगा ना, हाँ फॉर्मूला में हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है सर, ईएन का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा रोहन, डायरेक्ट ईएन का फॉर्मूला याद रख लो, -13.6 है ना, वो वाला फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, यस, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी डी ब्रॉगली के एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। डी ब्रॉगली ने ये बताया, देखो डी ब्रॉगली, ये आपको पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर कौन सा है, ये पेज नंबर है 330, पेज नंबर है 330, पेज नंबर 330 है ये। ठीक है, तो यहां पर देखिए, डी ब्रॉगली ने बोर का सेकंड पोस्टुलेट प्रूफ करके बताया। डी ब्रॉगली ने बोर का सेकंड पोस्टुलेट प्रूफ करके बताया। बोर का सेकंड पोस्टुलेट कैसे प्रूफ करके बताया वो हम यहां पे देखने वाले हैं। तो देखो, डी ब्रॉगली ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव जैसा बिहेव करते हैं। डी ब्रॉगली ने बताया कि प्लस माइनस पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन कब होगा। देखो क्या, ये तो बचपन की बातें हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो K Q1 Q2 / R होता है। कल्पना देखो, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हुए या दोनों चार्ज नेगेटिव हुए तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। अनबाउंड सिस्टम, वो सिस्टम कैसा हो जाएगा? अनबाउंड। अनबाउंड का मतलब है कि वो दोनों रिपेल कर रहे होंगे एक दूसरे को, है ना, बंधे हुए सिस्टम नहीं होंगे। लेकिन कोई भी एक चार्ज पॉजिटिव हो जाए और दूसरा चार्ज नेगेटिव हो जाए तो प्लस माइनस माइनस, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी और सिस्टम बाउंड हो जाएगा, बंधा हुआ सिस्टम हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे वहां पे। ठीक है, हाँ जी, कल्पना समझाइए। तो अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, या दोनों चार्ज नेगेटिव तो भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, सिस्टम अनबाउंड होगा। ठीक है, लेकिन कोई भी एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हुआ तो वो बाउंड हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये वन शॉट ही है, क्या करें, बच्चे बहुत सारे परेशान हो रहे हैं अपने यहाँ पे, है ना, चलेगा। तो अब मैं वापस यहां आ रहा हूं। हाँ, इलेक्ट्रॉन वेव के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन किसके रूप में होता है भाई? वेव के रूप में होता है। तो इलेक्ट्रॉन वेव के रूप में होता है। तो डी ब्रॉगली ने ये बताया कि मान लो ऐसा वेव दिख रहा है यहाँ पे, और कितने वेवलेंथ है यहाँ पे, तो मान लो ये एक वेवलेंथ हो गया, ये दूसरा वेवलेंथ हो गया, ये तीसरा वेवलेंथ हो गया, ये चौथा वेवलेंथ हो गया, है ना। तो एन टाइम्स लैम्डा, है ना, 2 पाई आर, जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू एन टाइम्स वेवलेंथ, एन टाइम्स वेव, मान लो एन वेव्स वहां पे फिट हो गई है। ठीक है, तो यहां पर से हम लैम्डा क्या बोल सकते हैं, लैम्डा हम बोल सकते हैं 2 पाई आर / n, यहां से हम लैम्डा का एक फॉर्मूला तो ये बोल सकते हैं, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर वन। दूसरा हमको डी ब्रॉगली ने क्या बताया, दूसरा इसने हमको बताया कि ऑल्सो ऑल्सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, भाई जो मैटर वेव होता है, मैटर वेव का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू H/p, है ना, H/p बोलो या H/mv बोलो, है ना। ये दूसरा इक्वेशन दिया था डी ब्रॉगली ने हमको। तो डी ब्रॉगली ने हमको ये दो इक्वेशंस दिए, ये तो मैटर वेव का हो गया कि कोई भी मैटर जो वेव होती है उसका फॉर्मूला होता है H/p या H/mv, है ना, ये हमको दिया था। अब यहां पर देखो, हम वन और टू को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेटिंग वन एंड टू, इक्वेटिंग
इक्वेटिंग वन एंड टू, वन और टू को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा टू पाई आर अपॉन एन इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, अब देखो मैं इसको उधर ले जाता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आर है, ये एम वी है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। अरे ये क्या आ गया, यही तो बोर का थर्ड पॉस्टुलेट है, सॉरी यही तो बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट है जो कि डी ब्रॉगली ने प्रूव कर दिया। तो डी ब्रॉगली ने अपने इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू के मदद से इन दोनों को इक्वेट करके डी ब्रॉगली ने बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट प्रूव कर दिया, बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट प्रूव कर दिया। इक्वेशन टू क्या है, डी ब्रॉगली का वेवलेंथ है। डी ब्रॉगली ने बताया था कि किसी भी मैटर को हम वेव जैसा ट्रीट कर सकते हैं, किसी भी मैटर को, किसी भी पार्टिकल को हम वेव जैसा ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, और उसका वेवलेंथ जो होता है वो होता है एच अपॉन पी, ऐसा लिखो, या पी जो है वो मोमेंटम होता है, तो उसको मास इनटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सर इक्वेशन टू क्या है, इक्वेशन टू जो है वो डी ब्रॉगली का वेवलेंथ का इक्वेशन है, मैटर वेव का, जो मैंने वहां पर आपको बता दिया है। ठीक है, और क्या बोल रहे, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल रह गया है, कुछ नहीं भैया थ्योरी है ना, पढ़ लो ना, दिखा देता हूं, चलो आपकी तसल्ली के लिए, आपकी तसल्ली के लिए दिखा देता हूं। लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, बोर मॉडल क्यों फेल हो गया, बोर मॉडल इसलिए फेल हो गया क्योंकि वो सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही बना था, ये मॉडल दूसरे एटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हाइड्रोजन एटम को छोड़ दो तो दूसरे एटम्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो देखो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी दूसरे को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद ये क्या नहीं कर पाया, ये जो है इवन फॉर हाइड्रोजन मोर एक्यूरेट स्टडीज ऑफ मल्टीपल कार्बन्स। ठीक है, द इंटेंसिटीज ऑफ द एमिशन लाइन सीम डिफ टू डिफर लाइन टू लाइन, बोर्स मॉडल हैड नो एक्सप्लेनेशन ऑन थ्योरेटिकल साइड आल्सो द मॉडल वाज नॉट एंटायरली सैटिस्फैक्टरी आर्बिट्रेरी असम्प्शन ऑफ फॉरेस्ट कंडीशंस, देयर वाज नो थ्योरेटिकल बेसिस फॉर दैट असम्प्शन। ठीक है, तो देखो एक बात तो ये है कि ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए था, दूसरी बात ये है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम में इंटेंसिटीज अलग-अलग थी, यानी एक लाइन ज्यादा ब्राइट थी, एक लाइन कम ब्राइट थी, एक ज्यादा ब्राइट थी, एक कम ब्राइट थी, तो ब्राइटनेस अलग अलग क्यों, ये भी बोर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ब्राइटनेस अलग अलग क्यों है, वो भी, वो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, ब्राइटनेस होता है, तो ब्राइटनेस अलग अलग क्यों है, एमिशन लाइन की ब्राइटनेस अलग अलग क्यों है, ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पॉइंट नंबर फोर क्या है, ऑन थियोरेटिकल साइड ऑल्सो मॉडल वॉज नॉट एंटायरली सैटिस्फैक्टरी आर्बिट्रली अज्यूम ऑर्बिट एज, उसने बोला था कि भैया जिस ऑर्बिट में भी एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई का है ना। ठीक है, तो उसने बताया था, चौथा पॉइंट बता रहा हूं, चौथे पॉइंट में उसने क्या बताया कि उसने बोला कि भैया अगर मेरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो स्टेबल रहेगा, तो मैक्सवेल की थियोरी तो ये नहीं बता पाया ना। ठीक है, मैक्सवेल की थ्योरी तो ये नहीं बता पाया, मैक्सवेल की थ्योरी क्या होती है, मैक्सवेल की थ्योरी थी कि भाई चार्ज पार्टिकल जब गोल गोल घूमता है तो वो एनर्जी एमिट करता है और एनर्जी लूज करके अंदर आ जाता है, पर वो बोर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, है ना। ठीक है, बोर का मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आखिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज क्यों नहीं करता, जब वो गोल गोल घूम रहा है तो वो एनर्जी लूज क्यों नहीं कर रहा। बोर ने बोला कि बस मान लो कि वो एनर्जी लूज नहीं करेगा, स्टेशनरी ऑर्बिट है मान लो, है ना, तो कैसे मान ले, मजाक है क्या, ऐसे कैसे मान ले, है ना। तो उम्मीद आपको बात समझ आएगी। ठीक है, चलिए चलेगा, ठीक है, क्लास और 10 मिनट तक चलेगी, 10 मिनट और चलेगी, तो मैं क्या करूंगा, आज एटम्स फिनिश कर देते हैं, कल हम न्यूक्लियाई ले लेंगे, आज एटम्स फिनिश कर देंगे, कल न्यूक्लियाई ले लेंगे, चलेगा। आर्बिट्रली अज्यूम मतलब कि जैसे तैसे मान लेना, आर्बिट्रली अज्यूम्ड का मतलब होता है जैसे तैसे बस अज्यूम कर लेना, मान लेना, कुछ भी मान लेना, है ना। बाइंडिंग एनर्जी रिडबर्ग फॉर्मूला, रिडबर्ग फॉर्मूला दे चुका हूं, रिडबर्ग फॉर्मूला ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, रिडबर्ग फॉर्मूला ऑलरेडी हो चुका है, रिडबर्ग फॉर्मूला आपको दिखा देता हूं, ये देखो ये रिडबर्ग फॉर्मूला ऑलरेडी हो चुका है, रिडबर्ग फॉर्मूला पहले ही बता दिया मैंने, रिडबर्ग फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, रिडबर्ग फॉर्मूला पहले ही बता दिया।
लिमिटेशन में आपको क्या लिखना है, लिमिटेशन में आपको लिखना है कि यह सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए था, यह मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए था, यह मॉडल यह नहीं बता पाया कि अलग अलग लाइंस की इंटेंसिटी अलग अलग क्यों है, यह नहीं बता पाया कि अलग अलग लाइन की इंटेंसिटी अलग अलग क्यों है, है ना, यह नहीं बता पाया कि एमिशन लाइंस के अंदर और भी लाइंस थी बारीक बारीक, वो क्यों है वो भी नहीं बता पाया, है ना। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां पर आगे बढ़ते हैं, डी ब्रोगली हो गया, एटॉमिक न्यूक्लियस में आ गए। अब देखो हमारा अगला टॉपिक जो है बच्चों वो है हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। इसका पेज नंबर बताता हूं, पेज नंबर 330 पे आप देख सकते हो, पेज नंबर 330 पे हम देख रहे हैं एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, तो बच्चों पहले तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, ठीक है, बाय 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 बाय, ठीक है, ठीक, सर का स्कूल है इसलिए, ठीक है, चलेगा। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर दो बेसिक चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर दो बेसिक चीजें होती हैं, है ना, न्यूक्लियस के अंदर दो बेसिक चीजें होती हैं, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर दो बेसिक चीजें होती हैं, वो दो बेसिक चीजें कौन कौन सी हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये दो चीजें न्यूक्लियस के अंदर में होती हैं, और इन दोनों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन, क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियॉन, है ना भाई, न्यूक्लियस के अंदर में रहने वाली सभी चीजों को हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाली सभी चीजों को हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाली सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हमको ध्यान क्या देना है, ठीक है, ध्यान ये देना है कि ध्यान हमें ये देना है कि ये जो न्यूक्लियॉन्स है ये प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, और एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक्स इक्वल टू, है ना, ये सिंबल होता है, इसको केमिकल सिंबल बोलते हैं, ऊपर ए जो है ना, ए को हम बोलते हैं मास नंबर, ए को बोलते हैं मास नंबर, मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जेड को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जेड को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जो कि होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जेड हमारा एटॉमिक नंबर है जो हमें देता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ए जो है वो मास नंबर है, वो हमें देता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो ये एक बात आपको ध्यान में यहां पर रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स, ये तीन चीजें होती हैं, इसको हम क्विकली इनके डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो आइसोटोप क्या होता है बच्चों, आइसोटोप हमारा क्या होता है, तो भाई एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। डोंट वरी, यहां देखो, यहां ध्यान दो, ठीक है। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो देखो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ये हीलियम के आइसोटोप है, Hg3, Hg4, ये हीलियम के आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास नंबर अलग अलग होता है। ऐसा मास नंबर अलग अलग क्यों होता, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होती है, न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग होने की वजह से मास नंबर अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो यह है आइसोटोप, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। आइसोटोप्स के बाद नेक्स्ट हमारा आता है आइसोबार्स, नेक्स्ट हमारा आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या होता है बच्चों, सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इनको हम बोलते हैं आइसोबार्स, सेम एटॉमिक नंबर
सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। ठीक है, जैसे कि H3 1 HE 3 2, है ना, H3 1 HE 3 2। तो देखो दोनों का मास नंबर सेम है पर एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। देखो वो अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, दोनों का मास नंबर सेम है पर दोनों के एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो इनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। ठीक है, अगला जो है हमारा उनको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। अगले को क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स बोलते हैं। आइसोटोन्स में क्या होता है बच्चों? आइसोटोन्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या होता है भाई? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। भाई दो अलग अलग एटम्स होते हैं और दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाए तो उनको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। जैसे कि है ना H3 1 और HE 4 2, है ना, H3 1 और HE 4 2, है ना, ये आइसोटोन्स है क्योंकि न्यूट्रॉन सेम है। अब देखो न्यूट्रॉन कैसे मिलेगा हमको, तो यहां अपर माइनस लोअर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? अपर माइनस लोअर, तो यहां पे 2 हो गया और यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपर माइनस लोअर यानी 4 माइनस 2, तो यहां भी 2 हो गया। तो दोनों केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ गए बच्चों? सेम आ गए। ठीक है, तो सेम आ गए, देखो दोनों में अपर माइनस लोअर यानी कि भाई ए माइनस जेड, ए माइनस जेड करोगे ना, ये ए है और ये जेड है, तो ए माइनस जेड करने से हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाता है। यहां भी देखो ए माइनस जेड किया तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाता, तो इनको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। ठीक है, चलो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ठीक है, यूनिट्स फॉर मेजरिंग मासेस ऑफ एटम्स एंड सबएटॉमिक पार्टिकल्स। तो देखो मास को हम मेजर करने के लिए अलग अलग मेथड है, या तो मास को हम केजी में मेजर कर लें, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, या तो इनको हम केजी में मेंशन कर लें। अगर इनको केजी में मेंशन करोगे तो ये 9.1 × 10⁻³¹ केजी आ जाएगा, और अगर मास ऑफ प्रोटॉन को लिखोगे तो ये 1.67, है ना, 1.672 लिख दो, है ना, और इसको 1.674 लिख दो, × 10⁻²⁷ × 10⁻²⁷ kg। तो ये मास हो गया केजी में, ये मास किस में हो गया भाई साहब? केजी में हो गया। ठीक है, इसी मास को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इसी मास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट यानी यू में। ये भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम यू एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.0005 एटॉमिक मास यूनिट, है ना, और ये क्या हो जाएगा 1.007 एटॉमिक मास यूनिट, और अगला वाला क्या हो जाएगा 1.008 एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास यूनिट के रूप में हमने इसको लिखा है। इसको लिखने का एक मेथड और है, एनर्जी के फॉर्म में हम किसी भी मास को किसी, अब दोनों सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है, देखो थोड़ा सा अलग है, न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा मासिव होता है प्रोटॉन से, ठीक है, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, अच्छा, इन सभी मासेस को हम एनर्जी के रूप में लिख सकते हैं, हमको पता है कि E इक्वल टू MC स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मास को हम क्या लिख सकते हैं? मास को हम लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर। तो मास को जब तुम एनर्जी में कन्वर्ट करके लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का मास हो जाता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, है ना, ये एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर है ना, तो ये देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, मेगा मतलब 10⁶, मेगा मतलब 10⁶। प्रोटॉन के लिए 938.28, प्रोटॉन के लिए 938.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, और न्यूट्रॉन के लिए आपका वो हो जाएगा 939.57। ये सब वैल्यूज याद नहीं भी रही तो भी चल जाएगा, है ना, बस ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिया था बुक में तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो मास को केजी में लिखो या मास को एटॉमिक मास यूनिट में लिखो या मास को एनर्जी के रूप में लिखो, ये अलग अलग मेथड्स हैं जिनके फॉर्म में हम मास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनके फॉर्म में हम मास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी।
अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, साइज ऑफ न्यूक्लियस। पेज नंबर 331 पे, पेज नंबर 331 पे हम देख रहे हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, रदरफोर्ड ने हमें एक फॉर्मूला दिया था, रदरफोर्ड ने हमें एक फॉर्मूला दिया था। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद करना है। रदरफोर्ड ने क्या फॉर्मूला दिया था? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के रेडियस का फॉर्मूला दिया था। तो न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है बच्चों? वो होता है आर नॉट इंटू ए टू दी पावर 1/3। ये फॉर्मूला दिया था रदरफोर्ड ने, रेडियस के न्यूक्लियस का फॉर्मूला। ठीक है, तो रेडियस का जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसा, जो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो ऐसा होता है। अब यहां पे आर जीरो क्या है? ये है लीनियर कांस्टेंट, इसको बोलते हैं लीनियर कांस्टेंट, है ना। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, आर जीरो जो है ना, इसकी वैल्यू होती है 1.5 × 10⁻¹⁵ मीटर, है ना। ये वैल्यू होती है इसकी, ये लीनियर कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है बच्चों। ठीक है, और ये ए क्या है? ए तो हमारा मास नंबर है। ए हमारा क्या है बच्चों? ए हमारा है मास नंबर, है ना। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। सर, ये 1.2 है मेरे ख्याल से, 1.2 × 10⁻¹⁵। ठीक है, अच्छा। अब जो है यहां पर, ये तो रेडियस आ गया, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना, नहीं सीटी में भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सीटी के लिए भी वो याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ 1.2 है, करेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हो गया। अब यहां से हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकलेगा बच्चों? तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? स्फीयर का वॉल्यूम लेते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। आप न्यूक्लियस को एक स्फीयर जैसा ट्रीट करो, मान लो कि न्यूक्लियस जो है ना वो स्फेरिकल शेप का है, तो 4/3 πr³। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/3 πr³। आर का क्यूब मतलब आर नॉट इंटू ए टू दावर 1/3 का³, ऐसा हो जाएगा ये, देखो। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/3 π, ये हो जाएगा आर नॉट का क्यूब, और ये सिंपली ए हो जाएगा। ए कैसे हो जाएगा? वो 3 और 3 कट जाएगा, ये 3 और 3 कट जाएगा, तो ये सिंपली ए हो जाएगा। तो अब यहां पर देखो कि ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, एंड रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। अब आ जाते हैं डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर टू। अगला आ रहे हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात करेंगे बच्चों। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं रो से, रो हमारा ग्रीक अल्फाबेट है जिससे मैं डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो डेंसिटी हमारा क्या होता है? डेंसिटी हमारा होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी हमारा क्या होता है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम। तो ऊपर मास के लिए मैं मास नंबर लिख रहा हूं, है ना, और वॉल्यूम के लिए मैं क्या लिख रहा हूं? वॉल्यूम के लिए मैं लिख रहा हूं ये वाला 4/3 πr³ × a। अब आप देखो, ये a और ये a कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां पे डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? डेंसिटी हो जाएगा 3 पलटी खा के ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 4π 4π r0 का क्यूब। अब देखो, ये पूरी की पूरी चीज कांस्टेंट है ना, ये पूरी की पूरी चीज क्या है? कांस्टेंट है। इससे पता ये चला कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है वो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, न्यूक्लियस की डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, न्यूक्लियस की डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। ये आर नॉट है, आर नॉट तो कांस्टेंट होता है, तो ये पूरी की पूरी चीज कांस्टेंट है। ये पूरी की पूरी चीज क्या बच्चों? कांस्टेंट है, यानी न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है। चाहे तुम कोई भी एटम उठा लो, कोई भी एटम उठा लो, न्यूक्लियस की डेंसिटी हमेशा क्या होने वाली है? कांस्टेंट होने वाली है। रेडियस कांस्टेंट नहीं है। रेडियस देखो, रेडियस तो मास नंबर पर डिपेंड कर रहा है, जितना बड़ा एटम लोगे उतना रेडियस ज्यादा होगा न्यूक्लियस का, रेडियस बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम भी मास नंबर पर डिपेंड कर रहा है।
तो जितना हैवी न्यूक्लियस उतना बड़ा रेडियस उतना बड़ा वॉल्यूम, पर डेंसिटी फिक्स रहेगी। डेंसिटी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। ठीक है सर, टेक्स्ट बुक में 3m है, 3m टेक्स्ट बुक में 3m है। कहाँ 3m है भाई? 3 इंटू ए कर दिया है। ठीक है कोई बात नहीं है, तुम इस तरह से भी लिख लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है कोई नहीं, तुम इस फॉर्म में भी लिख दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है इस फॉर्म में लिख देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है तुम ऐसा लिख दो, एम शेम लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिख दो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है यस, आइसोटोप्स की भी डेंसिटी सेम रहेगी क्योंकि वो सेम एलिमेंट है ना। डेंसिटी सभी न्यूक्लियाई की सेम होती है, डेंसिटी सभी न्यूक्लियाई की सेम होती है, डेंसिटी सभी न्यूक्लियाई की सेम होती है। ठीक है समझा क्या? चलेगा ठीक है, ठीक है चलेगा। डिराइव करने की जरूरत नहीं है ना, डिराइव करना पड़ता है, ये जो मैंने लिखा है ना ये डिराइव करना पड़ता है ना, ये डिराइव करना पड़ता है। पूछ सकते हैं, शो दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, शो दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर। शो दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर, ऐसा करके पूछते हैं तो उसने आपको यहां पे शो शो करना पड़ेगा कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर जीरो। ए टू द पावर जीरो का मतलब क्या है? कि वो इंडिपेंडेंट है किसके? मास नंबर के। ठीक है डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, इस तरह से लिखते हैं हम यहां पे। ठीक है समझ आ गई बात? चलेगा बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना बस करते हैं, अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से। कहां से कंटिन्यू करना है हमें? हमें कंटिन्यू करना है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से। ठीक है तो ये एटम्स फिनिश हो गया है और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस न्यूक्लियर फोर्सेस, यहां से हमें नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करना है। यहां तक की पीपीटी मैं आपको भिजवा देता हूं, आगे की पीपीटी हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेक्चर में। कैसा है कि बहुत सारे बच्चों का अभी इंडिपेंडेंट है, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है और बहुत सारे बच्चों के अभी जैसे स्कूल चल रहे, कॉलेज चल रहे, एग्जाम चल रहे है ना, तो इस वजह से भी, और हमारा भी स्कूल कॉलेज रहता है तो इसलिए भी हम थोड़ा सा जल्दी लेक्चर को रैप अप कर रहे हैं बच्चों। तो कोई नहीं, जो बड़े चैप्टर्स होंगे वो हम टू शॉर्ट्स में कवर करेंगे और जो छोटे चैप्टर्स होंगे वो हम वन शॉर्ट में कवर करेंगे। आई रिपीट, बड़े चैप्टर्स टू शॉर्ट में कवर होंगे और जो छोटे चैप्टर्स हैं वो वन शॉर्ट में कवर होंगे। बड़े चैप्टर टू शॉर्ट, छोटे चैप्टर वन शॉर्ट। ठीक है कंबाइन करके पीडीएफ दीजिए। अच्छा ठीक है चलेगा चलेगा चलेगा। बच्चों लास्ट लेक्चर में ये जो चैप्टर है, देखो ये चैप्टर जो है वो दो चैप्टर को कंबाइन करके बनाया गया है। जो इस चैप्टर का पहला हिस्सा है वो है एटम्स, जो हमने फिनिश कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में, और आज इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा हम उड़ाएंगे जिसका नाम है न्यूक्लियाई। तो एटम्स हमने फिनिश कर लिया, आज हम न्यूक्लियाई देख रहे हैं, आज हम न्यूक्लियाई देख रहे हैं। तो बच्चों न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, और इनको ही हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। इनको ही हम बच्चों क्या बोलते हैं? इनको ही हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले सभी प्राणियों को हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। यस बच्चों, नो वॉइस? बाकी बच्चों को वॉइस आ रही है क्या? एक बार चेक कर लेंगे। चेक कर लेंगे बच्चों। ओके ओके फाइन फाइन ओके। तो इनको हम न्यूक्लियस, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा फोर्स है जो इस सब को बांध के रखा हुआ है,
एक ऐसा फोर्स है जिस फोर्स ने इन सभी को आपस में बांध के रखा हुआ है, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन के साथ, प्रोटॉन को प्रोटॉन के साथ, हाँ जी, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन के साथ, प्रोटॉन को प्रोटॉन के साथ, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के साथ, इन सब को आपस में जोड़ के रखने वाली एक शक्ति है, एक फोर्स है, और उस फोर्स को ही हमने क्या नाम दिया भाई, न्यूक्लियर फोर्स। उसी फोर्स को हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स, आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फोर्स दैट डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑल्सो कॉल्ड एज द न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों याद रखिए, न्यूक्लियर फोर्स है, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज द न्यूक्लियर फोर्स, इज द न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, दिस एक्ट्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इज मोस्टली अट्रैक्टिव। ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है, जैसे ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्ट करती है, कभी रिपेल नहीं करती, वैसे ही न्यूक्लियर फोर्स भी हमेशा अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं करता। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में लगता है ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, मतलब फ्यू फेमटो फर्मी फर्मी फेमटोमीटर, फेमटोमीटर का मतलब होता है 10^-15 meters, मतलब बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो बहुत कम दूरी तक एक्ट करता है। सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता। ठीक है, इट्स रेंज इज वेरी स्मॉल एंड इट्स स्ट्रेंथ गोज टू जीरो व्हेन टू न्यूक्लियॉन्स आर एट अ डिस्टेंस लार्जर देन अ फ्यू फेमटोमीटर, मतलब 10^-15 meters से ज्यादा दूर चले गए अगर दो न्यूट्रॉन्स तो फिर वो फोर्स वहां पर एक्ट नहीं करेगा। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द रेंजेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेंज होता है वो इनफिनाइट होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इंफिनिटी तक एक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंफिनिटी तक एक्ट कर सकता है, पर न्यूक्लियर फोर्स के साथ ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट कर सकता है, न्यूक्लियस के बाहर एक्ट नहीं करता। एक और अच्छी बात यह है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, चाहे पार्टिकल्स का चार्ज कैसा भी हो, न्यूक्लियर फोर्स वो उनके बीच में एक्ट करेगा। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि वो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होने चाहिए, तो उनका चार्ज कुछ भी हो न्यूक्लियर फोर्स वहां पर एक्ट करेगा। ठीक है, सो प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस रिपेल वन अनदर ड्यू टू देयर सिमिलर पॉजिटिव चार्जेस। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस काउंटर द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एज न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड टिपिकल न्यूक्लियस इट ओवरकम्स द रिपल्सिव फोर्स एंड कीप्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांध के रखता है, मेकिंग द न्यूक्लियस स्टेबल। तो न्यूक्लियस को स्टेबल कौन बनाता है, न्यूक्लियस को स्टेबल कौन बनाता है, न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांध के किसने रखा है, न्यूक्लियर फोर्स ने उनको आपस में बांध के रखा हुआ है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स है। अभी अभी आपको बताया कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है बच्चों। और क्या बताया के भाई, हाँ, न्यूक्लियर फोर्स हैज अ रेंज ऑफ अबाउट फ्यू फेमटोमीटर। न्यूक्लियर FM का मतलब होता है फेमटोमीटर, 10^-15 meters। तो न्यूक्लियर फोर्स इज अ वेरी स्मॉल रेंज फोर्स, स्मॉल रेंज फोर्स होता है, और न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज कैसा भी हो न्यूक्लियर फोर्स वहां पे एक्ट करता है। बात समझ में आई होगी आपको। तो चलिए बच्चों अगला टॉपिक देख रहे हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पेज नंबर आपको बता देता हूं, पेज नंबर है 333, है ना। चलिए फटाफट इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है। तो एनर्जी सप्लाइड टू द न्यूक्लियस टू मेक द न्यूक्लियॉन्स फ्री, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए लगने वाली है, उसी एनर्जी को, यानी कि सेपरेट देम एंड टेक देम टू लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियॉन्स देखिए न्यूक्लियस के अंदर में कौन है,
न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इनको ही तो हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो किसी भी एक न्यूक्लियॉन को न्यूक्लियस के अंदर से निकाल के बाहर दूर फेंक देना, उसके लिए कितनी एनर्जी लगेगी। ठीक है, हाँ आज तो हम बस ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, है ना, और कल फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, आज हम ये चैप्टर बच्चों फिनिश कर देंगे, और अभी आगे से हम यही करने वाले हैं कि भाई एक वन शॉट में ही चैप्टर फिनिश होगा बच्चों। बस ये चैप्टर क्योंकि दो पार्ट में डिवाइडेड था और थोड़ा लेंदी चैप्टर था, इसीलिए इस चैप्टर को टू शॉट लग गए, वरना आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से हम पूरी कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियाई चैप्टर एटम से छोटा है, न्यूक्लियाई चैप्टर एटम से छोटा है, एटम थोड़ा बड़ा है, न्यूक्लियाई थोड़ा सा छोटा है, 60-40 मान सकते हो आप। अभी क्या होने वाला है बता देता हूं मैं। देखो आज फ्राइडे है ना, तो आज मैं ये उड़ा दूंगा, और आगे से हम यही कोशिश करने वाले हैं कि हम एक शॉट में ही पूरा चैप्टर उड़ा दें। तो आज तो मैं ये फिनिश कर दूंगा बच्चों, और कल जो है, कल का लेक्चर सुबह मुकेश सर लेने वाले हैं, जिसमें मुकेश सर आपको ऑसिलेशन पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ऑसिलेशन मुकेश सर आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, तो ऑसिलेशन और सुपर पोजिशन, ये दो चैप्टर्स आपको जो है वो है ना मुकेश सर कल पढ़ाएंगे। ठीक है, यस, कल मुकेश सर का लेक्चर होने वाला है वन शॉट में, और फिर संडे को जो है वो मैं लूंगा कौन सा चैप्टर, मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर संडे को मोस्ट प्रोबेबली मैं लूंगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कल नहीं है, कल बच्चों होगा आपका ऑसिलेशन। ठीक है, यस, चलेगा, ठीक है, तो ठीक है बच्चों, चलिए आइए इसको जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। ओके, तो एनर्जी सप्लाई टू द न्यूक्लियस टू मेक द न्यूक्लियॉन्स फ्री, न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस से निकाल के फ्री कर देने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी कैसे, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको बता देता हूं। अब ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, अब ये फॉर्मूला इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी मैं आपको ये फॉर्मूला बता देता हूं। तो देखो, पहले तो हम यहां पे बात करेंगे, एक कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, एक कॉन्सेप्ट है बच्चों यहां पर जिसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो पहले हम बात कर लेते हैं जरा मास डिफेक्ट की, है ना। तो ये मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट क्या होता है, इट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मास, मतलब जो मास होना चाहिए था, माइनस मेजर्ड मास, मेजरमेंट करने के बाद जो मास हमें मिला वो मेजर्ड मास है, और ये एक्चुअल मास मतलब जितना होना चाहिए था जो पाया गया है ना। मान लो हम बाजार गए, 10 किलो शक्कर लेके आए, है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मान लो आप बाजार गए शक्कर लाने के लिए, और आप गए थे बच्चों 10 किलो शक्कर लेने के लिए, फिर आप घर लेके शक्कर आ गए, और जब आपने, थैंक यू थैंक यू, और जब आपने वो शक्कर घर में ला के मेजर किया, तो आपने देखा शक्कर 10 किलो नहीं है, वो तो 9.8 किलो शक्कर है, 0.2 kg शक्कर मिसिंग है। तो वो जो मिसिंग शक्कर है ना, हमें लगा था हम 10 किलो शक्कर लेके आए हैं, क्योंकि हमने तो दुकान वाले से 10 किलो मांगा था, तो हम 10 किलो लेके आए थे, हमें ऐसा लग रहा था। लेकिन जब हमने उसको घर लाके मेजर करके देखा, तो देखा कि वो तो 10 किलो से कम है। तो ये जो डिफरेंस है, जितना होना चाहिए था और जितना निकला, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। मतलब जितना मास होना चाहिए था और जब मेजर किया तो कुछ और पाया, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। तो अब
बात यार, ये महाराष्ट्र है, शक्कर तो यूज करनी पड़ती है ना, यहाँ तो लोग बहुत शक्कर खाते हैं, मैंने देखा है। ठीक है, तो अब यहां पर बच्चों बात ये है कि ये मांस गया कहां, ये जो मांस का डिफेक्ट है वो गया कहां। तो देखो, वो मांस का जो डिफेक्ट है वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, मतलब जो मिसिंग मांस है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वही एनर्जी न्यूक्लियस को आपस में, न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखती है, वही एनर्जी न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांध के रखती है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा वो एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा हमारी बाइंडिंग एनर्जी होगी, उतना स्टेबल हमारा न्यूक्लियस होगा। जितनी ज्यादा हमारी बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना स्टेबल हमारा न्यूक्लियस होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्विकली आपको यहाँ फॉर्मूला बता दूं, तो मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक्चुअल मास क्या होता है, एक्चुअल मास होता है Z इंटू एम पी, मतलब ये एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, Z मतलब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन प्लस N इंटू एम एन, है ना। N क्या है, N है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मैं यहां लिख भी देता हूं आपके लिए, देखो दिस माइनस मेजर्ड मास को हम बोल देते हैं कैपिटल M। ठीक है, तो Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और n हमारा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो भाई न्यूक्लियस के अंदर यही दो चीजें पाई जाती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, यही है टोटल मास जो होना चाहिए था, और ये वो मास है जो हमने, हमको मेजर करके मिला, दोनों का डिफरेंस ही हमें ये मास डिफेक्ट दे रहा है, दिस इज अवर मास डिफेक्ट। ठीक है, अब यही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यही मास का जो डिफेक्ट है वो, हाँ कुछ अपडेट आया एक्चुअली ऐप के ऊपर, कुछ अपडेट आया है, तो इसीलिए हमको लेक्चर स्टार्ट करने में थोड़ा देर हो गई, क्योंकि हम वो ऐप को अपडेट कर रहे थे, अपडेट मांग रहा था वो। ठीक है, तो थोड़ी सी कुछ कुछ चीजें छोटी मोटी बदली हैं, आपको शायद महसूस होगा। तो बच्चों अब यहाँ पर जब हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं, तो देखो आइंस्टाइन ने हमें बताया था, आइंस्टाइन ने हमें क्या बताया था कि ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि ये एनर्जी और मास का इक्विवेलेंस है, मतलब मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वो कितनी एनर्जी होती है, वो हमको इस फॉर्मूला से मिलता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, तो बाइंडिंग एनर्जी में हम क्या बोलते हैं बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी है ना, तो उसको आपके बुक में ये सिंबल दिया हुआ है ई बी, बाइंडिंग एनर्जी। तो ये जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है इसको सिंबल दिया गया है ई और नीचे में एक छोटा सा बी, बाइंडिंग एनर्जी। तो जो हमारा बाइंडिंग एनर्जी होगा वो होगा मास डिफेक्ट इनटू सी का स्क्वायर। तो हमारा मास डिफेक्ट निकल के क्या आया है, तो मास डिफेक्ट हमारा निकल के ये आया, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो ये है जेड एम पी, है ना, जेड इंटू एम पी प्लस एन इंटू एम एन, है ना, ये हो गया एक्चुअल मास माइनस मेजर्ड मास, ये हमारा हो गया मास डिफेक्ट डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट, सी हमारा क्या बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। ठीक है सर, वो माइनस एम है फॉर्मूला, नहीं माइनस एम नहीं है माय डियर, सिर्फ एम। ठीक है, तो ई बी इज इक्वल टू, हाँ यहां माइनस एम है, ये वाला माइनस एम, ये माइनस एम है। ठीक है, तो ये हो गया ई बी इज इक्वल टू, यही अपनी बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, तो देखो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, कुछ नहीं आता, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये फॉर्मूला, बस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इन द सेंस की ग्राफ आपको बताता है, वो पूछेंगे कि व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, बताइए बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तो आपको बस उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा उसका डेफिनेशन लिखना है ना, और आपको ग्राफ याद रखना है ना, आपको डेफिनेशन याद रखना है और ग्राफ अगर आप हो सके तो याद रख लो। ग्राफ बहुत सिंपल है, ग्राफ बहुत ही सिंपल है बच्चों, मैं आगे ग्राफ दिखा देता हूं आपको, ये रहा देखो, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मतलब जैसे कि इनकम पर पर्सन, मतलब कि मान लो एक कंट्री है, कंट्री की टोटल इनकम कैलकुलेट करो और उसके नंबर ऑफ पीपल से उसको डिवाइड कर दो, तो पर पर्सन आय, आय यानी कि इनकम कितनी है वो आपको मिल जाएगी। जैसे 10 लोग हैं मान लो, और 10 लोग जो है वो कंबाइंड इनकम, 10 लोगों की कंबाइंड जो कमाई है, सैलरी है, वो है मान लो 10,000 रुपए, 10 लोगों का कंबाइंड सैलरी जो है वो 10,000 रुपए है।
तो फिर एक इंसान की सैलरी कितनी होगी बताइए? 1,000 रुपये। कोई बात नहीं, ग्राफ मैं ड्रॉ करके बताता हूं आपको। तो अगर 10 लोगों का कंबाइंड इनकम 10,000 है, तो ऑन एवरेज एक बंदे की कमाई कितनी हो रही होगी? 1,000 रुपये की कमाई हो रही होगी। तो वही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यानी किसी भी एक न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, है ना। टेक्स्ट बुक में भी है, पेज नंबर आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 333 पे आपको ये देखने को मिलेगा, पेज नंबर 333 पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलो कोई नहीं, मैं भी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह का ग्राफ है, यहां पर है मास नंबर, अपने एक्स एक्सिस पे कौन है, मास नंबर ए। मास नंबर क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये होता है मास नंबर। और इधर क्या है? इधर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, ये हमारा वाई एक्सिस पे है, ठीक है। ग्राफ कैसा बनता है? ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है ऐसा करके, और ये कुछ ऐसा होता है, और फिर ये थोड़ा ऐसा हो जाता है, ठीक है, इस तरह से ऐसे करके ये ग्राफ होता है। अब इस ग्राफ में आपको क्या बातें बस ध्यान में रखनी है? एक बात तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो आयरन है, आयरन उसकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होती है, आयरन 56 Fe56 मास नंबर है ना। तो आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मैक्सिमम है। बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम मतलब जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतना स्टेबल हमारा न्यूक्लियस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस किसका होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस जो है वो आयरन का होता है, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ज्यादा उधर जाओगे तो बाइंडिंग एनर्जी कम होने लगेगी, ज्यादा इधर आओगे तो भी बाइंडिंग एनर्जी कम होने लगेगी। जैसे कि यूरेनियम, इधर आपको मिलेगा बच्चों यूरेनियम। अब यूरेनियम एक बहुत हेवी न्यूक्लियस है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर काफी ज्यादा है, बहुत ही हेवी है वो न्यूक्लियस, है ना। तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है, और इधर बहुत हल्के फुल्के हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, H11, H21। तो बहुत हैवी न्यूक्लियस भी अनस्टेबल होते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, और बहुत लाइट न्यूक्लियाई, बहुत हल्के फुल्के लाइट न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल होते हैं, और उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी बहुत कम होती है। तो बहुत हैवी होना भी अच्छा नहीं है और बहुत लाइट होना भी अच्छा नहीं है। ये दोनों प्रकार के न्यूक्लियाई बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है। तो देखा गया कि लगभग लगभग देखिए 50 से लेकर के लगभग लगभग 100 120 तक, है ना, लगभग 50 से 120 तक ये ग्राफ ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, यानी कि ऑलमोस्ट आप देखिए यहां से यहां तक ये ग्राफ ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी पहले बढ़ती है और फिर थोड़ा कांस्टेंट हो जाती है और फिर घट के घटने लगती है ना। तो पहले बढ़ती है, फिर कांस्टेंट होती है और फिर घटना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बड़े वालों को हल्का होके इधर आना पड़ेगा और छोटे वालों को जुड़ के इधर आना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़े वालों का फिजन होता है, बड़े वालों को आगे चल के हम देखेंगे, बड़े वालों का फिजन होता है तो वो स्टेबल बन जाते हैं, और छोटे छोटे वालों का फ्यूजन होता है तो फ्यूजन होके वो स्टेबल बन जाते हैं। तो जो छोटे छोटे हल्के फुल्के लोग हैं उनको जुड़ना पड़ेगा, और जो भारी 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 भरकम जो न्यूक्लियाई हैं उनको टूटना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो स्टेबल हो सके। तो हेवी न्यूक्लियस का टूट के लाइटर बन जाना उसको फ्यूजन बोलते हैं, और हल्के फुल्कों का जुड़ के हेवी बन जाना उसको फ्यूजन बोलते हैं। ये आगे चल के भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस ये कर्व इतना सही है, इसमें हल्के फुल्के छोटी मोटी यही सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, हम देख रहे हैं बच्चों रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके। आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैनी ऑफ द न्यूक्लियाई आर स्टेबल, दैट इज दे कैन रिमेन अनचेंज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत सारे न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं होता, सदियों तक कुछ नहीं होता। दीज हैव अ पर्टिकुलर रेशियो ऑफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है। अदर न्यूक्लियाई अकरिंग इन नेचर आर नॉट नॉट सो स्टेबल, कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं नेचर में जो इतने स्टेबल नहीं होते, नेचर में कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जो इतने स्टेबल नहीं होते। तो अंडर गो चेंजेस इन देयर स्ट्रक्चर बाय एमिशन ऑफ सम पार्टिकल्स, तो कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जो इतने स्टेबल नहीं होते और वो कुछ ना कुछ चीजें एमिट कर रहे होते हैं, एमिट कर रहे होते हैं। वो दो अलग अलग चीजें हैं, फ्यूजन और फिजन दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। हाँ जी, दे चेंज और डिके टू अदर न्यूक्लियाई
विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इन द प्रोसेस, ठीक है। तो कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, जो जो टूट जाते हैं। टूटने को ही हम डीके बोलते हैं, डीके मतलब टूट जाना, कुछ नया बन जाना, है ना, टूट जाना, कुछ नया बन जाना, है ना, उसी को हम बोलते हैं डीके। द डिकेइंग न्यूक्लियस इज कॉल्ड द पेरेंट न्यूक्लियस, व्हाइल द न्यूक्लियस प्रोड्यूस्ड आफ्टर द डीके इज कॉल्ड एज डॉटर न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस डीके हो रहा है उसको पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं, और डीके होने के बाद जो चीज बनती है, जो न्यूक्लियस बनता है, उसको हम डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं। पेरेंट से डॉटर, पेरेंट से डॉटर, ठीक है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव डीके और रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो हेवी न्यूक्लियस का टूट के डिसइंटीग्रेट होके लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाना, इसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके, है ना। ओके, सो द डिसइंटीग्रेशन ऑफ हेवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर मोर स्टेबल न्यूक्लियाई, आई रिपीट, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल हेवी न्यूक्लियस इनटू स्टेबल लाइटर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव डीके, है ना। भारी भरकम अनस्टेबल न्यूक्लियाई का टूट के हल्के और स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। अब रेडियो एक्टिव डीके जो है बच्चों, वो तीन टाइप के डीके होते हैं। वो कौन कौन से डीके हैं, ठीक है। तो भैया तीन टाइप के डीके हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। आइए क्विकली देख लेते हैं कि ये तीनों डीके में क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं अल्फा डीके, सबसे पहले हम देख रहे हैं अल्फा डीके। अभी अल्फा डीके के अंदर क्या एमिट होता है बच्चों, अल्फा पार्टिकल एमिट होता है। अल्फा डीके के अंदर क्या एमिट होता है, अल्फा पार्टिकल एमिट होता है। याद रखना, हीलियम के न्यूक्लियस को ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हीलियम के न्यूक्लियस को ही हम, ये हीलियम का न्यूक्लियस है, इसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई तो एलिमेंट है एक्स, जिसका मास नंबर है ए, एटॉमिक नंबर है जेड, इसका अल्फा डीके हुआ, इसका अल्फा डीके हुआ। तो अल्फा डीके में तो अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, तो मैं यहां अल्फा पार्टिकल दिखाता हूं, Hc42, ये हमारा अल्फा पार्टिकल है जो एमिट हुआ। अल्फा पार्टिकल जब एमिट हुआ तो यहां पर क्या होता है, देखो, जो भी हमारा एलिमेंट था, एलिमेंट का जो मास नंबर है वो 4 से कम हो जाता है, और एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से कम हो जाता है। मास नंबर 4 से कम हो जाता है, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है। याद रखो इस चीज को, अल्फा डीके के अंदर में, है ना, मास नंबर 4 से कम हो जाता है, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है। ये पहले एक्स हुआ करता था, इसको पेरेंट न्यूक्लियस बोलो, ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियस था, कोई अलग एलिमेंट था ये, और अब ये कोई अलग एलिमेंट बन चुका है, अब ये एंटायरली न्यू एलिमेंट बन चुका है, इसीलिए इसका सिंबल भी बदल गया। इसका सिंबल हो गया वाई, पहले इसका सिंबल था एक्स, अब इसका सिंबल हो गया वाई, पेरेंट न्यूक्लियस बन चुका है, डॉटर न्यूक्लियस, यस। तो बच्चों अब यहां पर देखो, यहां पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दे देता हूं अल्फा डीके का, जैसे कि बच्चों आपके बुक में से मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, आप बुक में पेज नंबर निकाल लो, पेज नंबर 334, पेज नंबर 334 निकाल लो, वहां पे बिस्मत और थैलियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बिस्मत 212-83, बिस्मत 212-83, है ना। तो बच्चों इसका जब अल्फा डीके होगा तो क्या होगा, तो ये एक नया एलिमेंट बन जाएगा, ये एक नए न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा थैलियम, है ना, ये बन जाएगा थैलियम। ये है पेज नंबर 334, पेज नंबर 334, ठीक है। तो बिस्मत क्या बन जाएगा, थैलियम बन जाएगा। देखिए मास नंबर 4 से कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, तो मास नंबर को 4 से कम कर दो तो ये 208 हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा तो ये 81 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे क्या एमिट हो गया है, यहाँ पर एमिट हो गया है एक अल्फा पार्टिकल। तो ये देखिए, यही है हमारा अल्फा डीके का एग्जाम्पल। तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है बच्चों,
इस एग्जाम्पल को आपको याद रखना है, ये जनरल इक्वेशन हो गया और ये उसका एग्जाम्पल हो गया, जनरल इक्वेशन एग्जाम्पल। तो अल्फा डिके का जनरल इक्वेशन एग्जाम्पल, बीटा डिके का जनरल इक्वेशन एग्जाम्पल है ना, एंड गामा डिके का जनरल इक्वेशन एग्जाम्पल, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा अल्फा डिके। चलिए बढ़ते हैं बीटा डिके की ओर। अब ये है बीटा डिके। बच्चों बीटा डिके दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं बीटा माइनस डिके। बीटा डिके के दो टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं नंबर वन बीटा माइनस डिके, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं बच्चों बीटा प्लस डिके। दूसरे को हम बोलते हैं बीटा प्लस डिके, ठीक है। तो बीटा माइनस डिके में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। यहां कौन एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, ठीक है। और बीटा प्लस डिके में कौन एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल है जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन एमिट होता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में क्या फर्क है, सिर्फ चार्ज का फर्क है, मास दोनों का सेम है। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वही पॉजिट्रॉन का मास होता है। सिर्फ फर्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है पर पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इसलिए नाम पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, है ना। साइंटिस्ट ने नया पार्टिकल डिस्कवर किया, हाँ साइंटिस्ट ने नया पार्टिकल डिस्कवर किया जिसका नाम रखा गया क्या, उसका नाम रखा गया पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं बीटा माइनस डीके में क्या होता है। तो यहां पर बच्चों क्या होता है, देखो जो हमारा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहां पर एनर्जी का एक पैकेट एमिट होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये एक एनर्जी का पैकेट है, पैकेट ऑफ एनर्जी, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ये एनर्जी का एक पैकेट होता है जो एमिट होता है बीटा माइनस डीके में। बीटा माइनस डीके में ये एनर्जी का एक पैकेट एमिट होता है जिसको हमने नाम रखा है एंटी न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, देखो प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये आपस में मिलेंगे तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, न्यूट्रल हो जाएगा, ये दोनों के चार्ज आपस में मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। यह है बीटा माइनस डीके। और बीटा प्लस डीके में क्या होता है, तो ये मैं आपको यहां लिख के दिखा देता हूं। बीटा प्लस डीके में अगर आप देखो तो इसका ठीक उल्टा होता है, यहां न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन रहा है तो यहां प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, जो है प्रोटॉन हमारा कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। तो यहां पे जो हमारा पैकेट ऑफ एनर्जी निकलता है, उस पैकेट ऑफ एनर्जी को हमने एक अलग नाम दिया है, उस पैकेट ऑफ एनर्जी को बच्चों हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। उस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो बोलते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है और ये पॉजिट्रॉन पॉजिटिव है, तो न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव विल गिव यू पॉजिटिव, न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव विल गिव यू पॉजिटिव। तो ये है हमारा बीटा प्लस डीके, ठीक है। अब चलिए दोनों के एग्जाम्पल्स लेते हैं आपको समझाने के लिए। यहां पर बेसिक बात याद रखो, यहां पर जो बीटा माइनस डीके है यहां पे एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय वन ना, ये बात आपको याद रखनी है, और यहां पर एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय वन। बीटा प्लस डीके में एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय वन, तो यहां एटॉमिक नंबर एक से घट जाता है और यहां एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाता है ना, एक से बढ़ जाता है, और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन मास नंबर, नो चेंज इन मास नंबर, वहां भी नो चेंज इन मास नंबर, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बुक में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, वो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं बीटा माइनस डीके की, तो बीटा माइनस डीके का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, वो मैं आपको बताता हूँ। कोबाल्ट और निकल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो
तो अगर हम बात करें कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बच्चों निकेल के अंदर में, और साथ में एमिट होता है क्या, साथ में एमिट होता है इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये प्रोटॉन कहाँ गया, प्रोटॉन एक्चुअली एटॉमिक नंबर में आके ऐड हो गया। मैं आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी यहाँ बता देता हूं। तो कोबाल्ट जो है वो है 60-27, तो ये है 60-27, और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो एक से बढ़ जाएगा, तो इसका एटॉमिक नंबर 28 हो जाएगा। मास नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा, देखो एटॉमिक नंबर एक से बढ़ गया +1, पर मास नंबर में कोई बदलाव नहीं आया। एटॉमिक नंबर बदलने से एलिमेंट बदल जाता है, ये सुनो, मास नंबर में कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ एटॉमिक नंबर जो है वो एक से बढ़ गया। ये अपना इलेक्ट्रॉन हो गया और ये अपना एंटी न्यूट्रिनो हो गया है। तो ये प्रोटॉन कहाँ गया, ये प्रोटॉन जो है वो आके यहाँ पे ऐड हो गया है, एटॉमिक नंबर के जगह पर ऐड हो गया है। वैसे ही एक एग्जाम्पल जो है वो बीटा प्लस डीके का भी आपके बुक में दिया हुआ है, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। Na(NE)2211, तो Na नानी नानी है ना, तो सोडियम जो है वो नियॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। सोडियम का मास नंबर 22 और एटॉमिक नंबर 11, ये नियॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। तो ये पॉजिट्रॉन यहाँ आया देखिए, और ये न्यूट्रिनो जो पैकेट ऑफ एनर्जी है वो हमारा यहाँ आ चुका है। सो दिस इज पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखेंगे एटॉमिक नंबर को क्या होगा, ठीक है, तो भाई एटॉमिक नंबर जो है वो एक से घट जाएगा। यहाँ एटॉमिक नंबर ये 10 हो गया देखिए, है ना, एटॉमिक नंबर एक से घट गया, पर मास नंबर में कोई बदलाव नहीं आएगा, मास नंबर में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, तो बीटा माइनस डी के ये उसका जनरल फॉर्म हो गया, और ये उसका बच्चों क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। बीटा प्लस डी के ये उसका जनरल फॉर्म हो गया और ये उसका एग्जाम्पल हो गया। तो हर डीके का एक एग्जाम्पल आप याद कर लो, हर डीके का एक एग्जाम्पल याद कर लो। वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज रेडियो एक्टिव डीके एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है सर, हीलियम नहीं निकलेगा क्या, बीटा डीके में हीलियम नहीं निकलता, हीलियम कहाँ निकलता है, अल्फा डीके में। हीलियम यानी न्यू, हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल, अल्फा डीके में निकलता है। ठीक है, लेक्चर कब तक है, लेक्चर जो है वो और आधा घंटा चलेगा, उसके बाद हम लेक्चर फिनिश कर देंगे। ठीक है, आधा घंटा और चलेगा। ठीक है, बीटा सर लेवेंट बता दिया ना भाई, है ना, ये समझा बच्चों, बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और बीटा प्लस में पॉजिट्रॉन निकल रहा है। बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बीटा प्लस में पॉजिट्रॉन निकल रहा है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आते हैं अगले डीके की ओर, गामा डीके। गामा डीके कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें होता क्या है, सिर्फ एनर्जी निकलती है। गामा डीके में सिर्फ बच्चों एनर्जी निकलती है, आप अपने बुक में भी देख सकते हो, पेज नंबर 335, पेज नंबर 335। कोई इक्वेशन तो नहीं दिया है, पर मैं आपको अपने तरफ से इक्वेशन दे देता हूँ। तो मान लो हमारे पास जो है ना एक्स है, और एक्स का कुछ जो है मास नंबर है और एटॉमिक नंबर है, ये अभी ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में है, ये जब गामा रेडिएशन एमिट करेगा, मतलब कि ये एक्स ए जेड प्लस ये गामा एमिट किया देखो उसने, है ना, तो क्या हुआ भाई, क्या एटॉमिक नंबर चेंज हुआ, नहीं है ना। तो आपको याद रखना है नो चेंज इन एटॉमिक नंबर, गामा डीके में नो चेंज इन एटॉमिक नंबर, गामा डीके में नो चेंज इन मास नंबर। यहां ना ही एटॉमिक नंबर बदलता है, ना ही मास नंबर बदलता है, ना ही एटॉमिक नंबर बदलता है, ना ही मास नंबर बदलता है। ठीक है, ओनली डिक्रीज इन एनर्जी, सिर्फ एनर्जी कम हो जाती है, ओनली डिक्रीज इन एनर्जी, सिर्फ एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, बाकी और किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ एनर्जी कम हो जाती है, बाकी और किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं गामा डीके।
ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना भी लिख दिया तो आपका काम हो जाएगा। यही थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो उम्मीद है कि बच्चों यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। चलिए अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हाईली 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 इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछते ही पूछते हैं, एग्जाम में आने के हाई चांस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेडियो एक्टिव डीके लॉ। रेडियो एक्टिव डीके लॉ है ना, या लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अब इसका एक डेफिनेशन यहां दिया है, ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मैं आपको एक थोड़ा इजी स्टेटमेंट भी दूंगा, पहले इनका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम दैट ए न्यूक्लियस विल डीके इज कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। बहुत अजीब सा डेफिनेशन लग रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, मैं आपको एक सिंपल सा स्टेटमेंट यहां लिख के देता हूं। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके लॉ और बोल के मैं आपको एक सिंपल स्टेटमेंट देता हूं। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ डीके, द रेट ऑफ डीके, द रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ, टू द नंबर ऑफ एक्टिव, एक्टिव का मतलब अनडिकेड, अनडिकेड न्यूक्लियाई। द रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एक्टिव और द अनडिकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। डीके का जो रेट है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, डीके का रेट किस चीज पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने एक्टिव न्यूक्लियाई, कितने एक्टिव न्यूक्लियाई हमारे पास अवेलेबल है। जितने ज्यादा एक्टिव न्यूक्लियाई हमारे पास होंगे, डीके का रेट उतना ज्यादा होगा, रेट ऑफ डीके उतना ज्यादा होगा, उतने ज्यादा न्यूक्लियाई टूट रहे होंगे पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये बात समझ में आई है क्या? ये स्टेटमेंट याद कर लो, कुछ भी करके ये स्टेटमेंट याद कर लो, है ना। तो बच्चों इसको मैं इस तरह से समझाता हूं कि जैसे कि भाई मैं पहले न्यूमेरिकली लिख देता हूं, तो ये बताता है कि भाई डीएन बाई डी टी रेट ऑफ डीके, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डीके, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है एन, एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, ये मैं आगे लिख के दूंगा आपको। ये है रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, अब देखो इनिशियली आपकी सैलरी जब अकाउंट में आती है, अकाउंट भरा रहता है आपका, तो एक्टिव न्यूक्लियाई इतने सारे हैं आपके, पैसे इतने सारे भरे हुए हैं, तो आप पहले दिन बहुत खर्चा करते हो, अगले दिन थोड़ा कम करते हो, फिर उसके अगले दिन और कम करते हो, क्योंकि धीरे धीरे आपके अकाउंट में पैसे कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि धीरे धीरे एक्टिव न्यूक्लियाई कम होते जा रहे हैं, तो आपका रेट ऑफ स्पेंडिंग भी घटता जाता है, खर्चा करने का रेट भी कम होता जाता है। तो इनिशियली आप खर्चा ज्यादा रेट से करते हो, पर डे आप 1,000 रुपये उड़ा रहे हो, फिर कुछ दिन बाद आप पर डे 500 रुपये उड़ाओगे, फिर कुछ दिन के बाद आप पर डे 100 रुपये उड़ाओगे। तो इस तरह से आपको जो रेट ऑफ स्पेंडिंग है, स्पेंड करने का जो रेट है वो कम होता जाता है, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे कम होते जा रहे हैं, इसीलिए आपको खर्चा करने का रेट भी कम होता जाता है। इसी को बोलते हैं भाई, ये रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, है ना। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं डीएन बाई डी टी, है ना, तो यहां पे एक माइनस साइन भी होता है, जो बच्चों माइनस डीएन बाई डी टी इज इक्वल टू लैमडा इंटू एन, लैमडा हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे डीएन बाई डी टी जो होता है बच्चों, डीएन बाई डी टी इसी को हम ए भी बोलते हैं ना, तो आप देख सकते हो इसी को हम ए भी बोलते हैं, आपके बुक में एक और सिंबल दिया हुआ है इसको ए, है ना, इसको बोलते हैं एक्टिविटी, एक्टिविटी और रेट ऑफ डीके, एक्टिविटी और रेट ऑफ डीके, है ना, एक्टिविटी बोलते हैं या रेट ऑफ डीके बोलते हैं, डीएन बाई
डीटी, डीएन बाई डीटी है ना, माइनस डीएन बाई डीटी। इस पूरे चीज को हम एक्टिविटी भी बोलते हैं या रेट ऑफ डीके बोलते हैं। लैम्बडा जो है, जो लैम्बडा आपको दिख रहा है, ये लैम्बडा को हम बोलते हैं डीके कांस्टेंट। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये अलग अलग न्यूक्लियस के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, तो इसको हम बोलते हैं डीके कांस्टेंट, ठीक है। और एन हमारा क्या है बच्चों, यहां पर एन जो है, एन को हम बोलते हैं नंबर ऑफ एक्टिव, बोले तो अनडिकेड न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ एक्टिव और अनडिकेड न्यूक्लियाई, वो हम एन को बोलते हैं। तो यही है रेडियो एक्टिव डिके लॉ, यही था बच्चों हमारा रेडियो एक्टिव डिके लॉ। ये देख लो अच्छे से, बड़ा प्यारा सा लॉ है, उम्मीद है कि ये लॉ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। अब ये फॉर्मूला एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको जानना चाहिए इसलिए क्योंकि ये फॉर्मूला मदद करेगा हाफ लाइफ निकालने में, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूं। तो देखो बच्चों, अभी अभी हमने देखा कि माइनस डी एन बाई डी टी, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एन। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी एन बाई एन इज इक्वल टू लैम्बडा डी टी, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और इसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा। कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्स्टेंट जो है वो बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए डी एन बाई एन, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स क्या होता है, वो होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, यानी लॉग टू द बेस ई ऑफ एक्स। ये एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, लिमिट्स पुट कर देता हूं। तो मैं बोल रहा हूं कि जब टाइम जीरो था तब नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई मान लो एन नॉट थे, और जब टाइम टी हो गया तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई जो है वो मान लो एन हो गए। टी टाइम पे एन नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, टाइम जीरो पे मतलब इनिशियली जो एक्टिव न्यूक्लियाई थे वो मान लो एन नॉट थे। तो यहां पर सिंपल सा इंटीग्रेशन करेंगे और आइए देखते हैं इसके बाद हम क्या लिख पाएंगे। तो सिंपल सा इंटीग्रेशन करने के बाद ये हो जाएगा माइनस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ है ना एन, है ना, लॉग ऑफ एन हो जाएगा। और इसकी लिमिट कहां से कहां तक होगी, एन नॉट से एन तक होगी। और ये बच्चों हो जाएगा हमारा लैम्बडा इंटू टी, इसकी लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, जीरो से टी तक। देखो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। और यहां पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये माइनस साइन को यहां से हटाओ और माइनस साइन को उधर भेज दो, माइनस साइन को यहां से हटा के उस तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पे माइनस साइन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस साइन यहाँ आ गया। अब हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां भी हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके क्या आ जाएगा दिखाता हूं मैं आपको। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ एन माइनस लॉग ऑफ एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा टी माइनस जीरो, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा बच्चों। अब लॉग की हमको एक प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, लॉग की एक प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए कि लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है बच्चों, ये होता है लॉग ऑफ एम अपॉन एन। ये प्रॉपर्टी आपको मालूम है, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन, उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग टू द बेस ई, नेचुरल लॉग है ये बच्चों, ये एन अपॉन, इसको एल एन भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एल इंटू एन भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आ गया। अब देखो ई का पावर माइनस लैम्डा टी, ये यहां से हो जाएगा एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और ये एन नॉट को उधर भेज दो तो एन हो जाएगा एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमको काम आता है। किस चीज में काम आता है ये इक्वेशन, ये इक्वेशन काम आता है हाफ लाइफ निकालने के लिए। हाफ लाइफ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो आप डिराइव कर पाओगे इसके मदद से। ये आपको याद रखना है, इस फॉर्मूला को याद रखो, ये फॉर्मूला हाफ लाइफ निकालने में आपको काम आता है। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं।
तो अगला टॉपिक है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल। रेडियो एक्टिव मटीरियल का हाफ लाइफ हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, पहले तो हाफ लाइफ ये बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाईली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको भाई इसको जल्दी से डिराइव करते हैं। पहले इसका डेफिनेशन, क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज हाफ लाइफ, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इस तरह से जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो टाइम टेकन, भाई कितने समय में आपके अकाउंट में जो पैसे पड़े थे वो आधे हो जाएंगे, आपके पैसों को आधा होने में कितना टाइम लगेगा, है ना, आधी जिंदगी, है ना। तो टाइम टेकन फॉर द नंबर ऑफ पेरेंट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ। तो जो नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई है, पेरेंट न्यूक्लियाई को हाफ वैल्यू तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसी टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। तो अब ये कैसे निकलेगा, चलिए इसका थोड़ा सा डेरिवेशन हम देख लेते हैं यहां पर। तो बच्चों यहां पर मैं लिख रहा हूं n इज इक्वल टू, वी नो दैट इसको डिराइव करना होगा, इस तरह से करेंगे माइनस लैम्डा टी। ये अभी डिराइव करके बताया आपको, है ना, ये अभी डिराइव किया, ये लिख दो। नाउ एट टी इज इक्वल टू, जब टाइम हो जाएगा टी हाफ, है ना, तब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो ओरिजिनल नंबर के आधे हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है ओरिजिनल नंबर के आधे हो जाएंगे। तो उसी चीज को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो नाउ व्हाट वी कैन से दैट एन नॉट बाई टू, तो ये जो एन है एन के जगह पर मैं क्या रख रहा हूं, एन नॉट बाई टू इज इक्वल टू एन नॉट इन टू ई टू दी पावर माइनस लैमडा, और ये टाइम कौन सा टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा टी हाफ, है ना। तो n के जगह पर n नॉट बाई टू रख देना है, n के जगह पर क्या रख देना है, n नॉट बाई टू रख देना है। अब यहां देखो n नॉट और n नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा बच्चों, ये कुछ इस तरह से बचेगा, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, यहां पर ये हो जाएगा 1 बाई टू इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैमडा इन टू टी हाफ, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो वो नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 2, इसको ऊपर लेके चलो तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, अब तो वो माइनस नहीं रहेगा वहां पे, अब तो वो वहां पर पावर जो है उसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लैम्डा ई टू द पावर लैम्डा इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 2। अब क्या करते हैं बच्चों, दोनों साइड नेचुरल लॉग लगा देते हैं, दोनों साइड नेचुरल लॉग लगा देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लॉग टू दी बेस ई ऑफ ई टू दी पावर लैम्डा इंटू टी हाफ, है ना, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ टू, ठीक है। बस हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया है, ऑलमोस्ट हमारा काम हो गया है, ठीक है। अब देखो एक लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग एम टू दी पावर एन हो जाता है एन लॉग एम, है ना, ये एक लॉग की प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पे यूज करें, लॉग एम टू दी पावर एन, ये जो पावर है ये नीचे आ जाएगा, पावर नीचे आके ये ऐसा हो जाएगा टी हाफ, है ना, इन टू लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू, अभी देखो लॉग टू जो है ना, नेचुरल लॉग ऑफ टू, इसकी एक वैल्यू होती है 0.693, नेचुरल लॉग ऑफ टू की वैल्यू क्या होती है, ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है, नेचुरल लॉग ऑफ टू की वैल्यू होती है 0.693, और ये लॉग टू दी बेस ई ऑफ ई ये हमारा 1 हो जाता है, ये क्या हो जाता है 1, तो ये सिंपली बचेगा लैमडा इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 0.693, और यहां से टी हाफ क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ क्या हो जाएगा बच्चों, 0.693 अपॉन लैम्डा, यही है हमारा हाफ लाइफ, फाइनल फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ, यही हमारा क्या है, यही हमारा है हाफ लाइफ, ठीक है, चलेगा। तो अगर देखो स्टेटमेंट के साथ आता है तो फिर ये स्टेटमेंट को आधा नंबर रहेगा, ठीक है, और बाकी के अभी डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन बन के आता है वो। तो अगर वो जैसे मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है
तो फिर वो स्टेटमेंट को चला जाएगा हाफ मार्क्स, और बाकी हाफ हाफ मार्क्स, हर स्टेप को हाफ मार्क्स मिलते हैं। तो आप हर स्टेप को हाफ मार्क्स, ये इक्वेशन लिखने के लिए हाफ मार्क्स, ये स्टेप वैल्यू पुट करने के लिए हाफ मार्क्स, है ना, फिर ये लॉग का आपने फॉर्मूला लगाया इसके लिए हाफ मार्क्स, ऐसे हाफ हाफ मार्क्स करके वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ये डेरिवेशन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एवरेज लाइफ। अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हाफ लाइफ। इसमें सीधा सीधा आप फॉर्मूला याद कर लो, मैं आपको पेज नंबर बताता हूं, पेज नंबर 337 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में लिख देता हूं, एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ अ मटेरियल, एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड एज, बच्चों इज कॉल्ड एज एवरेज लाइफ, है ना, यही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है एवरेज लाइफ का। ठीक है, एवरेज लाइफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एवरेज लाइफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए आपके बुक के हिसाब से टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ एक ग्रीक अल्फाबेट है, इससे हम एवरेज लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। सीधा सीधा इसका फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला होता है 1/λ, काम खत्म, इसी को हम बोलते हैं एवरेज लाइफ, यही है हमारा एवरेज लाइफ, काम खत्म। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे, अगला टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आपको बताया है, न्यूक्लियर एनर्जी काफी हाई होती है, ये वो एनर्जी है जिसने बांध के रखा हुआ है सारे न्यूक्लियॉन्स को। ठीक है, और ये सारी बातें, रोशनी क्या बात है, कुछ बोलना चाहते हो तो यहाँ टाइप कर दो, कुछ बोलना चाहते हो तो यहाँ लिख दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी सिंपल सा ही आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हम बच्चों आ रहे हैं न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्शंस, दो टाइप के न्यूक्लियर। लैम्बडा क्या है, लैम्बडा क्या है, रुद्र, ध्यान नहीं दोगे तो यही होगा और फिर बोलोगे सर ने पढ़ाया नहीं। लैम्बडा क्या है, लैम्बडा की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, आपको इतिहास के पन्नों में लेके चलता हूं। ये देखिए लैम्बडा क्या है, लैम्बडा कौन है, लैम्बडा तू क्या है रे, तू तो डीके कांस्टेंट है दे दादा, लैम्बडा क्या है ना, डीके कांस्टेंट, लैम्बडा वेवलेंथ, ये देखिए अल्फा एस क्या बोल रहे, वेवलेंथ बोल रहे, माशाल्लाह, है ना। लैम्बडा क्या है, लैम्बडा है हमारा डीके कांस्टेंट, रेडियो एक्टिव डीके लॉ में जो डीके कांस्टेंट था वही हमारा लैम्बडा है। ठीक है, ठीक है, समझा क्या, चलो समझ गए बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन देख रहे हैं भैया, फिजन में क्या होता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रुद्र, यहां वेवलेंथ का कोई काम नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर में वेवलेंथ का कोई काम नहीं है। ठीक है, अच्छा तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो क्या है भाई न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, चलो पढ़ के देखते हैं। टूट जाना एक अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस का लाइटर और स्टेबल न्यूक्लियस में टूट के कन्वर्ट हो जाना, आइए इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब टूटना, ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस, किसी हैवी न्यूक्लियस का, इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई, दो हल्के फुल्के न्यूक्लियाई में टूट जाना, आफ्टर बम्बार्डमेंट, बम्बार्डमेंट के बाद, ये ऐसे नहीं टूटते, इनको बम्बार्ड करना पड़ता है, बम्बार्ड करना पड़ता है ना। तो विथ न्यूट्रॉन, किस चीज से बम्बार्ड करते हैं भाई, न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं, इस कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिजन, न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करना पड़ता है। तो ये देखिए एक बहुत ही ऊंची इमारत थी, एक बहुत ऊंची बिल्डिंग थी, वो पहले से ही हिल रही थी, पहले से ही हिल रही थी, हिल रही थी, हिल रही थी, है ना।
अब हमने एक बड़ा सा मिसाइल मार दिया उसको। मिसाइल कैसे मारा भाई? तो एक न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन से उसको हिट किया, न्यूट्रॉन से उसको हिट किया। हिट किया तो उसने न्यूट्रॉन को पहले तो एब्जॉर्ब कर लिया। पहले उसने क्या किया, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करते ही मास नंबर एक से बढ़ गया, देखिए मास नंबर हो गया 236, और फिर वो टूट गया। ये टूट गया दो हिस्सों में, एक बेरियम और दूसरा क्रिप्टॉन। बेरियम एक हल्का फुल्का न्यूक्लियस है, क्रिप्टॉन दो न्यूक्लियाई, और ये तीन न्यूट्रॉन यहां पे एमिट हुए। कितने न्यूट्रॉन? हमने मारा था एक न्यूट्रॉन, हमने मारा था एक न्यूट्रॉन, अंदर से निकले तीन न्यूट्रॉन। हमने मारा एक न्यूट्रॉन, अंदर से निकले तीन न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई है? यस। तो इस प्रोसेस में काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो न्यूट्रॉन यहाँ पे बाहर निकलते हैं इनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। जो न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं उनके पास काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। यही न्यूक्लियर फिजन जो है ये हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं, है ना। तो द अनकंट्रोल्ड फिजन इज यूज इन एटम बॉम्ब। अनकंट्रोल्ड जो फिजन है वो एटम बॉम्ब में यूज करते हैं, और जो कंट्रोल्ड फिजन है वो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं। कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड दो टाइप के फिजन होते हैं। कंट्रोल्ड वाले को हम, कंट्रोल्ड वाले फ्यूजन को हम यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं कंट्रोल्ड वाले को? न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या कौन सा फ्यूजन होता है? कंट्रोल्ड फ्यूजन, है ना। कंट्रोल्ड वाला फ्यूजन जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। तो भाई ये देखिए, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। यहाँ पे हम यूरेनियम 235 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यूरेनियम 235 इज यूज्ड एज अ फ्यूल। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के थ्रू हम यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन करवाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब हम देख रहे हैं चेन रिएक्शन। यहाँ देखो ये बच्चों, ये देखो चेन रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है ध्यान से देखना, एक न्यूट्रॉन आ रहा है, न्यूट्रॉन ने हिट किया। ओए ए, क्या हो रहा है? ये चेन रिएक्शन हो रहा है जी। चेन रिएक्शन में कैसे होता है भाई? तो देखो यहां पर एक न्यूट्रॉन आता है, यहाँ पे यूरेनियम ले लो, यूरेनियम है ना। इस यूरेनियम में हमने एक न्यूट्रॉन से हिट किया, तो इसको हिट करोगे ना तो यहाँ पे तीन और न्यूट्रॉन तुमको देखने को मिलेंगे। ये एक न्यूट्रॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया। अब ये न्यूट्रॉन जाएगा, ये दूसरे यूरेनियम को हिट करेगा, तो यहाँ तीन और न्यूट्रॉन निकलेंगे, है ना। फिर ये न्यूट्रॉन जाएगा, ये एक यूरेनियम को हिट करेगा, तो यहाँ पे तीन और न्यूट्रॉन निकलेंगे। फिर ये न्यूट्रॉन जाएगा, ये एक यूरेनियम को हिट करेगा, यहाँ पे तीन और न्यूट्रॉन निकलेंगे। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, हर न्यूट्रॉन जाके, हर एक न्यूट्रॉन आगे तीन न्यूट्रॉन निकाल रहा है। ये एक न्यूट्रॉन था, तीन मिले, एक न्यूट्रॉन से और तीन मिले, इससे भी और तीन मिले, इससे भी और तीन मिले। हर एक न्यूट्रॉन आगे जाके तीन और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है। हर एक न्यूट्रॉन आगे जाके तीन और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, और इसी को हम बोलते हैं बच्चों चेन रिएक्शन। ठीक है, अनकंट्रोल्ड फिजन ऑल्सो कॉल्ड एज द चेन रिएक्शन। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अगला जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब जुड़ जाना, तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच टू लाइटर, दो हल्के न्यूक्लियाई आर फ्यूज टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन। दो हल्के न्यूक्लियाई जुड़ते हैं, जैसे ये देखो हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बन जाते हैं? हीलियम बन जाते हैं, और साथ में भयंकर अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो भी यहाँ पर एमिट होती है। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस है फ्यूजन का, फ्यूजन रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर। फ्यूजन को, फ्यूजन होने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, फ्यूजन होने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ना। लगभग ये कितना लिखा हुआ है, ये मैं कर 10^5 डिग्री सेल्सियस, 10^5। इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन को हम थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। जितने भी सितारे हैं, सूरज चांद सितारे, है ना, चांद नहीं, सूरज और सितारे, स्टार्स एंड सन, उनके अंदर क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। उनके अंदर क्या हो रहा है भैया? न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको बोलते हैं ड्यूटेरॉन, ड्यूटेरॉन, है ना। हाँ जी, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम, है ना। तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम।
ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी बच्चों। हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना। आज जो पढ़ाया ये पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, है ना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेना, और हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। बाय ऑल ऑफ यू।